इंजीनियर इसको बनने में डेफिनेटली काफी टफनेस होती है, तो इसीलिए मैं सोचता हूँ कि क्यों ना आपके काम को ज्यादा ज्यादा आसान कर दिया जाए। तो इसी सिरे में आपके साथ आज अपने एक स्टूडेंट को लेके आ रहा हूँ, ठीक है। डेफिनेटली उसने बहुत ही कम शॉर्ट टाइम में अच्छी ग्रोथ प्लस कई ढेर सारी गलतियां और कई ढेर सारी अच्छी चीजों को किया। तो जो गलतियां किया उसके गलतियों से आप सीख सकते हो, डेफिनेटली जो अच्छा किया उसके अच्छाइयों से सीख सकते हो। तो आज हमारा जो गेस्ट है इस पॉडकास्ट में, शुभम तिवारी हमारे गेस्ट है, और शुभम तिवारी बहुत डिटेल में आपको एक्सप्लेन करेंगे, मेरे वन ऑफ द फेवरेट स्टूडेंट है, और डिटेल में आपको एक्सप्लेन करेंगे कि हम स्ट्रक्चर इंजीनियर कैसे बन सकते हैं, क्या क्या इन्होंने गलतियाँ किया और क्या क्या सही किया जिससे कि इनके करियर में अच्छा रुझान आया, डेफिनेटली इन्होंने करियर को अच्छा डेवलप किया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और शुभम को सबसे पहले उनका स्वागत करते हैं। शुभम, स्वागत है आपका हमारे प्लेटफॉर्म पे। थैंक यू सर, गुड इवनिंग सर। सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा आपको कि मुझे यहाँ पे बुलाने के लिए। शुभम, सबसे पहले अपना थोड़ा सा शॉर्ट इंट्रोडक्शन देना कि अभी तुम एग्जैक्टली क्या कर रहे हो और क्या बोलते हैं किस प्रोफाइल पर काम कर रहे हो। जी सर, माय नेम इज शुभम तिवारी, आई एम फ्रॉम हरदोई उत्तर प्रदेश एंड आई कंप्लीटेड इन माय एमटेक इन स्ट्रक्चर्स इन 2022। एंड देन मतलब मैंने एमटेक कंप्लीट होने से पहले ही मेरी ज्वाइनिंग हो गई थी कंपनी में। तो पहले तो मैं गया था टावर्स में, जिसमें टेलीकॉम टावर वगैरह डिजाइन होते हैं। उसके बाद फिर मैंने गया बिल्डिंग डिजाइन में, क्योंकि मुझे पहले से ही इंटरेस्ट था, मैंने आप सर से सीखा था जो भी, तो बिल्डिंग में ज़्यादा इंटरेस्ट था। और उसमें एक्चुअली जो कोर स्ट्रक्चर होता है, जो अपनी सिविल इंजीनियरिंग होती है, कोर वही मेन है ही, और बाकी तो सब छोटे छोटे काम हैं जो किसी को भी सिखा दो वो कर लेगा। तो इसके बाद मैं बिल्डिंग में ज्वाइन किया। बिल्डिंग में ज्वाइन करने के बाद ही मेरे कॉलेज से प्लेसमेंट हुए थे, और फिर उसके बाद, लेकिन मैंने मेरा एक ड्रीम रहा था कि मुझे मतलब एक ही लाइन में जाना है। मैंने पहले से अपनी एक लाइन चूज कर रखी थी, जो मुझे बस बिल्डिंग में ही जाना था। मुझे कुछ भी हो जाए, कितना भी पैसा मिले, कुछ भी मिले, मुझे पैसे के पीछे भागना ही नहीं, मुझे केवल और केवल नॉलेज के पीछे भागना है। तो वही मैं बस कंटिन्यू करता रहा, और बाकी तो सब आपका आशीर्वाद रहा, चलता रहा। ग्रेट। शुभम को बताना चाहूंगा, शुभम पहले एक बार इनका थोड़ा सा गड़बड़ हुआ था जब ये साइट का जॉब, क्योंकि परेशान हो गए थे जॉब के लिए, तो काफी फ्रस्ट्रेटेड कंडीशन में, जैसे कि हम भी गए थे या फिर आप भी जाए, सभी चले जाते हैं अगर कुछ अपॉर्चुनिटी खोज रहे हैं नहीं मिलता तो परेशान हो जाते हैं। तो ये साइट पर गए थे, लेकिन इन्होंने भी साइट से चेंज किया खुद को, थोड़ा सा वहां पर हार्डवर्क डेफिनेटली था। तो कैसे चेंज किया उसके बारे में शुभम थोड़ा बताओ, मुझे लगता है सबको जानना चाहिए उसके बारे में। जी सर, एक्चुअली क्या था, उस टाइम लगभग जनवरी या फरवरी का पीरियड था, तो मेरा थर्ड सेमेस्टर चल रहा था एमटेक का। और उसमें मैं पहले से ये क्लियर कर लिया था कि जो गलतियां मैं बीटेक में कर चुका हूँ वो मुझे एमटेक में नहीं दोहरानी है सारी। इसलिए मैं एमटेक फर्स्ट ईयर से ही लग गया था सारे सॉफ्टवेयर वगैरह सीखने में। और मैं मतलब मुझे आकाश सर के बारे में ऐसा कुछ पता नहीं था कि सर ये सब देते हैं, मतलब ट्रेनिंग वगैरह करवाते हैं। मैं यूट्यूब से ही सर्च किया, वहीं से जुड़ा, फिर धीरे धीरे ऐसे ही बात हुई। पहले सर का मतलब ऐप नहीं था, तो उस पर क्लास होती थी, एक मतलब पूरा वो बन जाता था ऐसे व्हाट्सएप के व्हाट्सएप माध्यम ग्रुप, से कर लेते थे। व्हाट्सएप ग्रुप, उस पर क्लास होती थी। तो सबसे पहली जो मैंने क्लास ज्वाइन की थी वो थी G+2 मैनुअल का सेक्शन की क्लास। ओ और उसके बाद में मुझे मतलब बहुत अच्छा लगा, मैंने सोचा यार ये सब हम लोग कर तो चुके हैं, लेकिन वही बात है, अगर अभी कोई बोल देना कि ये बताओ क्या होता है, मैं अंदर से चीजें निकलती नहीं है बाहर, करेक्ट, आता है बट वो दिमाग पे कॉन्फिडेंस, नहीं आती है, उनको मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाता हूँ। करेक्ट। तो ये चीज थी। तो उसके बाद मैं वो मतलब धीरे धीरे सीखता रहा, और एमटेक थर्ड ईयर के लास्ट में, उस टाइम कोविड का सीजन आ गया था तो कॉलेज से हो गई थी छुट्टी, तो मैं चला गया था। उसी पीरियड में एक मेरे सर हैं जानने वाले, वो वहाँ इलाहाबाद में एक साइट पे थे, वहाँ पे वो बन रहा था अटल रेजिडेंशियल स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल था। तो करेक्ट। उन्होंने कहा आ जाओ यहाँ पे, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो मैं वहाँ पे चला गया, हालांकि वहाँ पे बहुत कुछ सीखने को मिला, सर का सपोर्ट भी मिला, लेकिन मुझे मतलब वो चीज वही बच्चों वाली चीजें हैं, एक दो दिन देख लो साइट क्या होता है, क्रिप क्या होता है, अरे भाई देख लिए क्रिप क्या होता है, सेग्रीगेशन क्या होता है देख लिए सेग्रीगेशन क्या होता है, सरिया कैसे बनती है देख लिए सरिया कैसे बनती है, बट उसके पीछे का लॉजिक क्या है भाई, सरिया बनती है वो तो देख लिए, अब सरिया कैसे क्या कैसे डिजाइन करते हैं, कैसे डिटेलिंग करते हैं, वो हालांकि हमें आता था, सर से हमने सीख रखा था,
लेकिन वो चीज़ मेरी यूटिलाइज नहीं हो पा रही थी वहाँ पे, इसलिए मैं मतलब बहुत ज़्यादा कुछ फ्रस्ट्रेटेड हो गया था। सर से बहुत बात करता था कि सर बहुत दिक्कत हो रही है मुझे, अब कुछ मतलब करना चाहिए, आता है मुझे फिर भी नहीं कुछ मिल रहा है। तो करेक्ट, वहीं से मैं अप्लाई वगैरह डेली करता रहता, कम से कम हाँ 2 से 3 मेल में डेली करता रहता था करेक्ट। किसी न किसी कंपनी में। तो ये तुम्हारा बहुत फिर अच्छी हैबिट थी, ये तुम 2 से 3 जी कंपनियों सर, में डेली मेल करते रहते थे, ठीक हाँ, तो है। उससे क्या है सर, एक कॉन्टिन्यूटी बनी रहती है, और कम से कम हम 1 महीने में लगभग 100 कंपनियों को हम अप्रोच कर देते हैं मिनिमम, करेक्ट अगर 2 से 3 हम डेली करते रहेंगे तो। करेक्ट, कम 100 में करेंगे, कम से कम 5 में तो एटलीस्ट रिप्लाई आएगा ही। और ये लोग गलती करते हैं। लोग क्या करते हैं, मैं किसी से पूछूंगा कि क्या हुआ, तो बोलते सर जॉब नहीं लग रही। मैंने कहा कितनी कंपनी अप्लाई की, बोले 2 कंपनी में। हमने कहा तुम 2 कंपनी में अप्लाई करके वेट कर रहे हो, ठीक है। बिल्कुल सर। ये सबसे बड़ी गलती होती और है। मेरी एक सबसे अच्छी खासियत ये भी थी कि मैं जिस कंपनी में अप्लाई करता था ना, उस कंपनी के लिए अपना रिज्यूम चेंज कर देता था, एज पर उसकी डिमांड में रिज्यूम बनाता था कि वो क्या मुझसे मांग रहा है और मुझे उस वो चीज़ आती है या नहीं आती। अगर उसने उसमें ऑटो कैड और स्टैट मेंशन कर रखा है तो मैं पोर्टफोलियो भी कई सारे बना रखा था अपने, तो मैं स्टैट के ही केवल प्रोजेक्ट डालता था उसमें पोर्टफोलियो में, मैं क्यों डालूँ ई टैब वगैरह करेक्ट जब उसने डिमांड ही नहीं की है। करेक्ट, तो उसी हिसाब से मैंने अपना सारा पूरा 3 चीज़ें मैं रखता था, एक कवर लेटर और अपना रेज्यूम और पोर्टफोलियो, वही मेरा चलता था हर जगह। और करेक्ट, एक मैंने बना रखा था पोर्टफोलियो लगभग 50 से 60 पेज का था, उसमें मैंने सारा ए टू जेड सब कुछ मेंशन कर मुझे रखा था भेजा था जितना भी तुमने, मुझे आता था। जी सर, उसमें बहुत बड़ा सा तुम्हारा रिज्यूम पोर्टफोलियो था, ठीक है। इसने मुझे कॉल किया कि क्या बोलते हैं सर, मतलब क्या करना है। मैंने बोला पोर्टफोलियो बनाने के, बोला था ना ऐसा कुछ बात हुई थी ना हमारी, जी सर, जी तो सर, फिर तुमने पोर्टफोलियो एग्जैक्टली बनाया। लेकिन मैं बताऊंगा, अभी तक मैं बहुत लोगों ने पोर्टफोलियो बनाया स्ट्रक्चर्स का, लेकिन शुभम का पोर्टफोलियो मैं रिफरेंस के लिए भेजता हूँ, क्योंकि बहुत ही अच्छा है। तो देखते हो कि तुम्हारा पोर्टफोलियो वैसे काफ़ी फेमस हो चुका है, मैं कई भी जी सर, लोगों को बिल्कुल। रेफरेंस के लिए तुम्हारी पोर्टफोलियो, तुम्हारा रिज्यूम भेजता हूँ, तो वो मैं तुम। लिंक्डइन पे स्क्रॉल करता रहता हूँ ना, तो हर हफ्ते में कम से कम 2-3 पोस्ट तो दिख ही जाते हैं मेरे पोर्टफोलियो और क्या के। होता है, कई लोग गलत करते हैं, करना नहीं चाहिए, एडिट कर लेते हैं उसी पोर्टफोलियो को, जी सर, ठीक है। ये बिल्कुल। इससे उनको लर्निंग नहीं मिलेगा, जो लर्निंग मिलना था तुमको मिल गया है, ठीक हाँ, है। एक्चुअली वो तो एक आप एज ए रेफरेंस यूज कर सकते हैं हाँ उसको, बट मैंने भी मतलब रेफरेंस ही लिया था। हाँ वो एक सर के स्टूडेंट हैं, हाँ सिविल ज्ञान एंड जॉब्स वाला चैनल, हाँ उस उन्होंने ये रेफरेंस डाला था यूट्यूब पे, एक वीडियो बनाया था कि हाँ ऐसे ऐसे बनाओ, तो मैंने वही देख के बनाया था अपना हाँ उसी टाइप से पूरा। तो मतलब कुल मिलाकर वही कि तुमने बनाया, तब डेफिनेटली दूसरे को क्या करना चाहिए, तुम्हारे रिज्यूम को देख के फिर अपना रिज्यूम बनाना चाहिए उसको, मतलब कुल बिल्कुल मिलाकर सर, अपना करना बिल्कुल। चाहिए। और वो बनाया तभी बनाया जब उसमें 100% एकदम अपने खुद को कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस आ गया है उस सॉफ्टवेयर पे, उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट पे सारा, तो बनाने में भी मजा आता है। नहीं करेक्ट, तो लगता है क्या यार पका हाँ। हुआ, क्या बना रहे हम बेकार की चीजें, तो और कॉपी पेस्ट ये करोगे लगता है सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। और प्लस दूसरी बात है, आप इंटरव्यू में, क्योंकि पोर्टफोलियो जाएगा, अब इंटरव्यूअर देखेगा तो वो ऑब्वियस सी बात है उसी से रिलेटेड क्वेश्चन क्वेश्चन पूछेगा, आप पूछेगा। आंसर कर ही नहीं पाएंगे। हाँ, और रिज्यूम भी अपने तो हाथ ये से सर, बनाना चाहिए। कई लोग रिज्यूमे भी गड़बड़ी करते हैं, एक ही रिज्यूम हर जगह छपकाए पड़े हुए हैं। अब क्या होता है कि बिल्कुल सर, मेरे को चाहिए एक वेज खाना बनाने वाला, तुम हर जगह नॉन वेज कुक लगाए पड़े हो, तो मेरे किस जी काम का सर, नॉन वेज कुक है अगर मैं खाता ही नहीं नॉन वेज, तो सही है ना। बात है सर, तो तुम्हें वेज कुक का पूरा पोर्टफोलियो बनाना चाहिए, रिज्यूम बनाना चाहिए, तो बेटर रहता है। और वो इसी हिसाब से कवर लेटर भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कवर लेटर अगर रहता है तो सामने वाले का आइडिया लग जाता है तुम हो क्या। जी। और बिल्कुल, मैं तो ये प्रिफर करता हूँ कि मतलब बहुत ज़्यादा कुछ लोग क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा सजावट कर देते हैं, कहीं ये लगा दिया, फोटो लगा दिया, वो कर दिया, हाँ वो कर दिया, वो ना करो, एकदम सिंपल रखो। मैक्सिमम कम से कम वर्ड में कितना ज़्यादा डिफाइन कर सकते हो उनको, ये हाँ चीज़ चाहिए होती है। जैसे अगर आपको सपोज स्टेट आता है तो स्टेट में क्या क्या आपको डिजाइन आता है तो वो हाँ चीज़ आप डालिए ना। जैसे आपको बीम की डिजाइन हो गई, कॉलम की डिजाइन हो करेक्ट, गई, स्लैब तो होती रही, ठीक है। बाकी स्टेट फाउंडेशन में आपको कौन कौन सी फुटिंग आती है, टाइप ऑफ फाउंडेशन कौन कौन से आते हैं, तो ये सब आप डालिए तो ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा करेक्ट, कंपेयर टू नॉर्मल। अगर लिख दिया स्टेट प्रो, करेक्ट। उससे ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता। बहुत उसे इवन प्रॉब्लम भी होगी मुझे लगता है, क्योंकि वो उसको मेन चीज तो मिला नहीं। अब जैसे कि अभी जी सर, लोग क्या करते हैं, बहुत सारे सॉफ्टवेयर का लिस्ट बना देते हैं, अब आता किसी के बारे में अच्छे से नहीं है, लेकिन सॉफ्टवेयर का नंबर्स बहुत दे दिया, तो सामने वाले कंफ्यूज हो जाता है यार, इतना टैलेंटेड है क्या ये, ठीक है। और फिर सही वो बात है। घुस जाता है सॉफ्टवेयर के अंदर। और उसमें अगर आप मान लो, अगर आपने एक्सप्लेन वो एकदम लिस्ट बना दी,
और आप भले आपको बहुत अच्छा आता भी है, करेक्ट तब भी इंटरव्यूअर मतलब उस लेवल के क्वेश्चन पूछ नहीं पाता। इसमें क्या है, सपोज आपने लिखा स्टेट फाउंडेशन आपको आता है, ठीक है, उसमें आपको आइसोलेटेड फुटिंग की डिजाइन आती है, ठीक है। सही अब आपने आइसोलेटेड लिख दिया, कंबाइन लिख दिया और राफ्ट लिख दिया, अब मैट लिख वहीं से दिया। वो क्वेश्चन निकालेगा। आइसोलेटेड के टाइप बताइए आप, कितने टाइप के आइसोलेटेड होते हैं, कंबाइन फुटिंग क्या होती है, स्ट्रैप फुटिंग क्या होती है, वहीं से क्वेश्चन निकलेंगे। मतलब आपको इंटरव्यू और कहीं जाएगा ही जाएगा नहीं, ही उसका नहीं। दिमाग कहीं पहुंचेगा ही नहीं। ये बहुत अच्छी टेक्निक है, इसके बारे में मैं कई लोगों को बता चुका हूँ कि रिज्यूम के अंदर इतना कंटेंट दे दो उसको काम की चीजें जी कि सर, बाहर के बारे में उसको सोचना ही नहीं पड़े। और सबसे अच्छी बात है, मेरा सर आज तक का, मैं आपको बताना चाहूंगा, आज तक का मेरा रिकॉर्ड रहा है कि मैं किसी इंटरव्यू में फेल ही नहीं हूं। ग्रेट, बहुत बढ़िया। ऐसा मैं क्या सारे करते हो कि तुम इंटरव्यू फेल नहीं निकाला होते, पहले हूं। सबको बताओ। उसका यही एक लॉजिक है, केवल सिंपल, आप इतना कंटेंट उसके अंदर दे दो, और जो कंटेंट दो वो आपको आना चाहिए। सबसे अच्छी बात ये है, करेक्ट, जो आप लिखो, भले आपको SFD BMD आता है ना, तो आप लिखो, आपको आता है। अगर नहीं आता है तो लिखो ना, साइड से निकल जाओ करेक्ट, और कुछ दे दो उसको, क्योंकि करेक्ट, उसके। और सबसे अच्छी बात ये भी है, अगर इंटरव्यूअर कोई क्वेश्चन स्टार्ट करा, सपोज उसने अगर विंड एनालिसिस स्टार्ट किया आपसे, ठीक है, तो आप विंड के अंदर इतना घुस जाओ ना, कि एक ही बार में वो दूसरा क्वेश्चन ही ना उठा पाए। आप A to Z उसको सब कुछ बताते एक्सप्लेन हैं, कर दो, करेक्ट। पूरा एक्सप्लेन कर दो, वो एक ही क्वेश्चन में आपको जज कर लेगा कि हाँ भाई इसको कितना आता है। सही बात है। और उसे उसको बहुत कंटेंट मिल गया ना, मतलब कह यार इसको जब एक टॉपिक के बारे में इतना पता है तो एक दूसरा टॉपिक उठाऊंगा तो ये फिर से घुसेगा, वो खुद ही चुप हो बिल्कुल सर, जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं भी ये टेक्निक अपनाता था, तो मैं लग से कैसे होता था कि मुझे कैसे होता कि जो चीजें मुझे ज्यादा नहीं आती थी ना, मैं उसके बारे में ज्यादा दिखाता ही नहीं था, जो आती जी है सर, उसको एकदम डीप में ले जाता था, तो सामने बस वाला समझ जाता था कि यार इसको पता है चीजों के बारे में। और हाँ, सबसे बड़ी चीज, क्योंकि हाँ मैं, हाँ बोलो क्योंकि बोलो, सर मेरा ये रहा है ना, कि जो भी काम करो ना, वो उसकी जड़ तक घुस जाओ। जो नहीं आता वो बिल्कुल नहीं आता, क्योंकि आधा अधूरा ना नॉलेज बहुत खतरनाक होता है। ये आपका ही डायलॉग है सर, हाँ अधजल गगरी छलकत जाए, वो बहुत खतरनाक है। और उसको मैं प्रैक्टिकल अप्लाई भी किया हूँ, बहुत खतरनाक है। तो करेक्ट, इससे अच्छा है बेकार के झंझट में ना पड़ो। दो चीजें आती हैं, लेकिन उनको सॉलिड रखो, बहुत बढ़िया, उसी की दम पे बहुत आगे चले जाओगे, दो चीजों पे ही। करेक्ट। और ये जो फ्रेशर्स लोग होते हैं ये मिस्टेक्स करते हैं स्टार्टिंग में, तो मुझे जो ऐसा लगता है कि अगर साइट की बात करूँ तो साइट का नॉलेज 1 महीने का सफिशियंट होता है, मुझे ऐसा लगता है। मैक्स टू मैक्स 2 महीने, इससे ज़्यादा की रिक्वायर्ड नहीं है साइट पर बिल्कुल जो, सर, और ठीक। प्लस अब साइट की मतलब बहुत सारे वो ऑनलाइन ट्रेनिंग भी आ गए हैं। हाँ मैंने तो ऑनलाइन ही ट्रेनिंग की थी साइट का, हाँ और मैं वहाँ इलाहाबाद में गया था, 1 महीने मैंने देख लिया, तो मुझे मतलब सब कुछ पता चला था। हाँ यार, मैं तो ये पढ़ चुका हूँ, ये वही है, सब नॉर्मल हाँ चीजें हैं। और मैं वो लोग क्या है, मैंने तो मतलब बार बेंडिंग शेड्यूल वगैरह मुझे एक्सेल पे बनाना अच्छे से आता है, पूरा कैसे बनाते हैं, तो वो लोग मतलब मैनुअल कैलकुलेटर से बनाने बैठते हैं। अब एक दिन में एक स्लैब का, छोटी सी स्लैब का बना पाते हैं, हाँ 4 कॉलम 10 बीम का बना पाते हैं एक दिन में। तो क्या करेक्ट, मतलब भाई, इतना आउटपुट मतलब इतना इनपुट दे के कम आउटपुट निकले, क्या मतलब है। जब चीजें बनी है तो उनका यूटिलाइज करो, सीख लो। करेक्ट है। और कभी कभी क्या होता है कई कई चीज़ों के बारे में ना लोगों को ना कॉन्फिडेंस नहीं रहते। अभी आज एक मेरा आज मेरे दोस्त था मेरे, तो उसने बताया एक दूसरे दोस्त की कहानी, तो उसने बताया कि जी उससे सर, पूछा गया कि साइट पर उसने लिंक लगवाया था कि इसका लगवा देते हैं, वो जुगाड़ उगाड़ होता है ना कि एक्सपीरियंस है नहीं बट करवा देते हैं, तो कभी जी कभी कैसी चीज़ें होती है कि उसने सापोजी फलांजी में करवाया था जुगाड़ से, जी क्योंकि डेफिनेटली अभी डिज़ाइन नहीं सीखा है वो, मैंने सिखाने की कोशिश किया तो नहीं सीख पाया उतने अच्छे से वो, तो क्योंकि एक होता है ना कि एक इंटरेस्ट होता है जैसे जी तुम्हारा क्या सर, है, तुम्हारे स्ट्रक्चर्स में इंटरेस्ट दिखता है, तो उसका बिल्कुल नहीं था, सर, तो मैंने उसको बोला भाई इसमें इंटरेस्ट नहीं है तो दूसरा ट्राई करो। तो जी कॉन्फिडेंस भी बहुत जरूरी होता है, क्या बोलते हैं उसमें, क्या इंटरव्यू में उसे पूछा गया कि जी स्लैब का BBS निकाल लोगे क्या, ठीक। अब उसको जी सिंपल बोलना था यस, ठीक है। अब उसका एक्सप्रेशन जो था वो ऐसा था कि उसे समझ में आ गया कि इसको नहीं आता है, नहीं आता है, ठीक है। तो तो ये चीजें ही बहुत खतरनाक होती है सर। बहुत ज्यादा जो आंसर दो बड़े ही कॉन्फिडेंस के साथ दो, ठीक है, तुम्हें स्लैब का नहीं आता है कोई बात नहीं, बीम का आता है क्या, ठीक है वही छपका तो, लेकिन कुछ आना चाहिए। आपको उस टाइम यस बोलना था, और अगर वो देते सपोज, तो आप कह देते, थोड़ा बहुत आप निकालते और कहते एग्जैक्ट, सर एक्चुअली मैं कुछ भूल रहा हूँ, मतलब हाँ बहुत दिन हो गए निकाले हुए, करेक्ट, इन एंड प्रैक्टिस नहीं रहा, इस करेक्ट, टाइप से कुछ भी बात घुमा देते। हाँ इंटरव्यूअर को घुमाना रहता है बस, जैसे घुमा घुमा लो, घुमाना, ये बहुत बड़ी ट्रिक होती और कुछ है, नहीं। ये जी बहुत सर, बड़ी ट्रिक रहती है कि इंटरव्यूअर को, मैं खुद भी ऐसे देखता था कि मैं भी एक्चुअली बताऊँ आज पहली बार बता रहा हूँ, मैंने आज तक जितने जी इंटरव्यू दिए हैं किसी में रिजेक्ट हुआ ही नहीं,
अरे सर तो मतलब कि मैं बहुत कभी सही। किसी ने बताया, क्योंकि क्या बोलते हैं, मुझे लगता है कि ठीक है ये तो बहुत बड़ी मुझे बात नहीं है, बट मैं भी शायद यही सब ट्रिक्स फॉलो करता था। सबसे ज्यादा जी वो सर कि जो जिस चीज के बारे में मुझे ज्यादा पता था, मैं इंटरव्यूअर को उस टॉपिक पे खींचता था। जैसे जी सर इंटरव्यूअर ने पूछ लिया कि क्या हाँ बोलते हैं आरसीसी के बारे में, स्टील के बारे में पूछा, मुझे स्टील ज्यादा अगर मान लो नहीं पता है तो मैं उसको खींचता था आरसीसी की तरफ लाने के लिए। तो आंसर को बिल्कुल ऐसे रोटेट करता था कि आरसीसी में आ जाए। अब आरसीसी में मेरी एक्सपर्टीज थी, अब वो हो गया ठीक है, अब कोई टेंशन नहीं है उसको लेके। तो अगर किसी एक पोर्शन पे तुम्हारा अच्छा स्ट्रांग पोर्शन बना हुआ है तो तुम इंटरव्यूअर को आराम से एक्सप्लेन कर सकते हो। और इंटरव्यूअर सबसे ज्यादा मुझे लगता है देखता है कॉन्फिडेंस, क्योंकि फॉर्मूले तुम भूल सकते हो ठीक है। अगर मैं बोलूँ कि स्लैब के डिजाइन का मैनुअल फॉर्मूला बताओ ठीक है, तो हो सकता है तुम भूल सकते हो ठीक है। हम टीचर हैं, जी हमारा सर रोज का काम अलग बात है, लेकिन तुम भूल जाओगे। लेकिन अगर स्टेप पता है तो दैट विल बी ओके ना, आई स्कोर देख के कर लेगा, बिल्कुल सर है ना। बिल्कुल। अब तुम आई बताओ कि स्कोर वगैरह बने इसीलिए सर। इसीलिए बने हैं। अब ये बताओ कि अगर किसी को सक्सेसफुल स्ट्रक्चर इंजीनियर बनना चाहिए ठीक है, बनना है अगर किसी को, तो जी उसको सर क्या पाथ फॉलो करना चाहिए, उसको स्टार्टिंग से बताओ। देखो, स्टार्टिंग से अगर मैं अपना बताऊँ ना सर, तो क्या हुआ, मेरा बीटेक में कॉलेज प्लेसमेंट हो गया था बाद में, मतलब कोविड आ गया था उसके बाद में कॉल वॉल आया, तो मेरी साइड पे ही ज्वाइनिंग थी और उसके बाद मेरा एमटेक में भी सिलेक्शन हो गया। अब बात थी, एमटेक में मुझे दो गवर्नमेंट कॉलेज मिल रहे थे, एक जगह मुझे मिला था कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट ब्रांच, एक जगह मुझे स्ट्रक्चर मिली। तो मेरा शुरू से ही यही रहा ना कि कोई चीज़ लोग कहते टफ है, तो मेरा उधर जाने का मन ज़्यादा रहता था। मेरे उसमें बीटेक में क्या था, एक ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है सेकेंड ईयर में, तो उसमें लेजर वगैरह रहता है, लेजर, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, स्पेस साइंस। तो मैंने क्या किया सर, मैंने केवल पूरी ब्रांच से, हम केवल मैं था एक और मेरा दोस्त था, दो बंदे ऐसे थे कि जिन्होंने स्पेस साइंस ली थी। हमने कहा यार ये तो सब रोज पढ़ते, थोड़ा स्पेस के वाले बारे में भी जान लेते हैं ठीक टीचर थे कि है नहीं उसके? क्या सर। हाँ फैकल्टी थी, अच्छी फैकल्टी थी। मेरे कॉलेज में ऐसा था कि ऐसा ही कुछ था कि कोई एक सब्जेक्ट था, लेकिन टीचर ने बोल दिया खुद ही कि इसका कोई है नहीं, खुद से पढ़ना तो पढ़ लो। आगे जी बताओ। मेरे यहाँ तो फैकल्टी थी। तो उसके बाद क्या हुआ, जब मैं थर्ड ईयर में आया तो उसके बाद एक सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट करके एक सब्जेक्ट था ऑप्शनल में, एक फाउंडेशन डिजाइन था। तो सब बोले फाउंडेशन में बहुत बैक आती है, मैंने कहा लेंगे तो फाउंडेशन ही लेंगे भाई। तो उसमें भी हम लगभग 3 ही लोग थे पूरी ब्रांच से जो फाउंडेशन लिए थे। तो ऐसे करके मतलब मेरा हमेशा ये रहा है कि कोई चीज टफ है तो क्यों है भाई, उसके अंदर घुसो ना। एक बार अगर एक पैर हम बढ़ा देंगे तो दूसरा बढ़ाने की तो जुगाड़ बना ही लेंगे करेक्ट, वेरी गुड। किसी तरीके से। तो उसके बाद फिर एमटेक में मैंने ये डिसाइड किया कि मैं स्ट्रक्चर्स में जाऊंगा, तो एडमिशन वगैरह ले लिया। उसके बाद फिर वही बात है, मतलब दोस्त लोग डराने लगे, यार स्ट्रक्चर तो बहुत टफ होता है, ये है वो है। और एक्चुअली सर मैं अगर टफनेस की बात करूँ ना, तो एक स्टोरी और इससे जुड़ी है। एक लड़का है मेरा दोस्त, है इलाहाबाद का रहने वाला, उसका अभी NIT हमीरपुर में, उसको जियोटेक ब्रांच मिली। अच्छा मैंने कहा भाई एक स्पॉट राउंड होता है उसमें करा ले, तुम स्ट्रक्चर मिल जाए उससे अच्छा कुछ है नहीं। तो वो मतलब इतना डर गया था स्पॉट राउंड में, उसको मुझे लग रहा है स्ट्रक्चर मिल भी रही थी, उससे ज्यादा नंबर पे स्ट्रक्चर, उससे कम नंबर पे स्ट्रक्चर मिली है, लेकिन उसने जियोटेक उठाया था। उसके बाद उसने क्या किया, एक और काउंसलिंग हुई, उसमें उसने क्या किया, MNIT इलाहाबाद की इन्वायरमेंट उठा ली। हमने कहा यार भाई क्या है ये, अब क्या ही मतलब, तुम पूरा अपना जो भी कोर पढ़े हो सबको, डिजाइन, RCC, सोम, सबको तुम्हारा पानी में चला गया, क्या मतलब था हाँ, इसका। ये बड़ा मेरे को भी ऐसे हुआ था। मैं तुमको छोटी सी मेरी स्टोरी शेयर करता हूँ कि ये क्या बोलते हैं, मैं भी मतलब MNIT में मेरी इंटर्नशिप चल रही थी, तो वहाँ पर एक लड़का था, जी सर वो MNIT में ही मास्टर्स कर रहा था, ठीक है, तो जी सर सीनियर भी था कह सकते हो, लेकिन क्या बोलते जी हैं, मैं थोड़े बहुत तब थोड़े बहुत ऐसे मुझे सॉफ्टवेयर का पहले से नॉलेज था, तो उस जी टाइम सर ऐसे इन्वायरमेंट में कर रहा था। वो मेरे पास आया, बोलता है यार पांडे जी मैं सोच रहा हूँ मैं आगे क्या करूँ। मैं कह रहा पहले तुम सोचो कि मैं बीटेक कर रहा हूँ, ठीक है, और मैं तब थर्ड ईयर में था, मैं कह मैं बीटेक कर रहा हूँ, तुम एमटेक कर रहे हो भी इन्वायरमेंट में कर रहे हो, तो गाइड तुम्हें करना चाहिए कि मुझे गाइड करना चाहिए। तो कई लोग ऐसे होता है बात कि मतलब कि उन्होंने फैमिली प्रेशर बोलो या फिर गलत डायरेक्शन बोलो, गलत चीज चूज कर लेते हैं। डेफिनेटली इन्वायरमेंट गलत नहीं है, बट आपका उसमें सही इंटरेस्ट है होना यार, चाहिए, मजबूरी नहीं होनी बिल्कुल चाहिए। बिल्कुल। इंटरेस्ट भले आपको अगर साइट में ना, उसमें भी आप बहुत अच्छा कर सकते हैं, हर बट इंडस्ट्री में। इंटरेस्ट की बात है, हाँ किसी भी चीज में इंटरेस्ट होना चाहिए। तो उसके बाद फिर क्या हुआ, उसके बाद एमटेक में एडमिशन लिया। तो फिर ऐसे में सर्च करने लगा, यूट्यूब वगैरह पे देखने लगा कि भाई
क्या करियर ग्राफ है, क्या सैलरी वगैरह रेंज है। तो मतलब सैलरी वगैरह का तो अच्छा दिखा रहा था स्टार्टिंग से ही सब में, तो फिर उसके बाद अलग अलग वीडियो आने लगे कि ये सीखो वो सीखो वो सीखो। फिर मैंने एक दूसरे मतलब दो चार लोगों से पता भी किया जो हमारे कॉलेज में सीनियर थे, तो उन्होंने कहा भाई देखो ज़्यादातर डिजाइन सॉफ्टवेयर पे ही होती है, तो उसके लिए आपको कॉन्सेप्ट तो क्लियर होने चाहिए, उसके साथ सॉफ्टवेयर भी आने चाहिए। तो फिर ऐसे धीरे धीरे आपका वीडियो मिल गया मुझे किसी तरीके से, तो मैं डेमो वगैरह देखा अच्छा लग गया। फिर उसी टाइम आपका कोई जी प्लस मैनुअल प्लस एक्सेल वाला आई बैच थिंक कोविड स्टार्ट के होने टाइम लगा, पे, तभी मैंने उसकी फीस स्टार्ट भी भी ज्यादा किया। नहीं थी। हाँ? और सबसे अच्छी बात आपकी है कि आपकी फीस नहीं ज्यादा रहती ना, तो कितनी फीस थी उसकी वो मेरे और शायद की मेरी? उसकी शायद सब 1400-1500 रुपए थी ओके शायद। और हम एक्चुअली मतलब करना नहीं चाहिए, बट मैं आपको रियलिटी बता दे रहा हूँ कि वो था मेरे ही लिए, मैंने अपने नाम से खरीदा था, बट हम 3 लोग ने कंबाइन में लिया था उसको 500-500 रुपए दे के। तो 3 लोग में से 2 लोग तो पढ़े नहीं, मैं ही वो पढ़ा। तो उसके बाद मतलब थोड़ा बहुत अच्छा, बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस आया। उसके बाद फिर आपका ऐप बन गया, ऐप बन गया, तो और जो दोस्त थे वो यहाँ नोएडा में ही रहते थे, तो वो बोले भाई मैं तो स्टार्ट वगैरह सीखने जा रहा हूँ कट डेस्क वगैरह से, और तो हमने कहा भाई तुम सीख लो। पैसे भी बहुत अच्छे उनके लग रहे थे, लगभग 20,000 रुपये ऑटोकैड प्लस स्टार्ट का, और प्लस फिर इटैब वगैरह। तो वो कहने लगे पहले स्टार्ट सीखेंगे उसके बाद इटैब सीखेंगे। हमने कहा ठीक है भाई सीख लो। 2-3 लड़के आए यहाँ सीखना स्टार्ट कर दिए। हमने पूछा भाई बताओ कैसा सिखा रहे हैं, बोले सिखा तो रहे हैं बहुत अच्छा समझ में आ रहा है। लेकिन फिर वही बात है एक्चुअली मुझे क्या है, एक बार में मुझे पूरी चीजें 100% क्लियर नहीं हो पाती हैं, मेरी ये कमजोरी है। और फिर एक बार जो क्लियर हो गई वो फिर मेरे दिमाग से निकलती नहीं इतनी जल्दी, ये भी है मेरी अच्छी खासियत। तो मैंने सोचा यार ऐसे तो नहीं हो पाएगा, वहां टीचर पढ़ा के निकल जाएगा कोई मतलब ही नहीं है, भूल जाएंगे हम, तो कमांड है वो। टूल तो है। फिर हाँ टूल है बिल्कुल। उसके बाद आपका ऑल इन वन कोर्स बन गया था, ऐप बन गया था, तो फिर वो मैंने परचेज किया ऑल इन वन। फिर ऑल इन वन से मैंने पढ़ना शुरू किया उसको, मतलब इतना मैं इतना रगड़ दिया उस कोर्स को कि उसमें कुछ बचे ही नहीं। मैंने 4 से 5 बार उसको पूरा, 178 वीडियो है, 178 वीडियो को ढाई चार सौ से घंटे पांच का है बार लगभग ना? और मैंने उस 250 घंटे का है, मैंने 1000+ घंटे उसको दिए होंगे। गुड। और एक वीडियो देखने मुझे लगभग, अगर आपका 1 घंटे का कोई वीडियो है तो मुझे लगभग 2.5 से 3 घंटे लगते थे एक वीडियो, क्योंकि मैं पॉज कर करके देखता था। मैंने सारे नोट्स बनाए डिटेल में, एक एक हैंड रिटन नोट्स है मेरा, एक एक टूल कैसे क्या करेंगे पूरे स्टेप सारे लिखे रखे। अभी भी जब कहीं इंटरव्यू वगैरह होता है तो मैं बस तुरंत पलट के देख लेता हूँ काम करता हूँ। ग्रेट। तो ये चीजें हैं। फिर उसके बाद मुझे, मैं ये सोच लिया था कि मेरा एमटेक कंप्लीट होने से पहले मुझे जॉब पकड़ लेनी है कहीं ना कहीं, तो वो साइट वाला केस हो गया था, उधर चला गया था। उसके करेक्ट। बाद फिर वहीं से अप्लाई करता रहा, तो एक जगह गुड़गांव में कंपनी है, वहाँ मेरी सीवी शॉर्टलिस्ट हुई, उन लोगों ने बुलाया। और वो लोग फ्रेशर को रखते नहीं है, तो मैं गया, उन्होंने सबसे पहले हमारा वो पढ़ा, क्या नाम, कवर लेटर। कवर लेटर में सबसे पहले विंड कोड IS-875 Part 3 लिखा था। उन्होंने कहा बताओ विंड कोड क्या होता है। मैं इतना A to Z उसमें सर घुस गया, मैं पूरा उनको ऐसे एकदम बना के पोल ओल विंड डायग्राम पूरा चार्ट वाट सब कुछ, मतलब उसमें मैंने कुछ बचाया छोड़ा है। ही नहीं, और आई थिंक कुछ मैंने भी छोड़ा ऑल ही इन नहीं वन उसमें। बहुत डिटेल में बिंड को एक पूरा स्लाइड ही पढ़ाया हुआ है। वही वही सर वही मैं पूरा वही पढ़ के गया था, पूरा नोट्स बना ही था, वही मैं पूरा पढ़ के गया था। जितना मैंने नोट्स में लिखा था ना सर, उतना ही मैंने पूरा लिख दिया उसमें। उनसे हमने कहा देखो मैं आता तो बहुत कुछ है विंड में मुझे, लेकिन अगर आप चाहें तो हम पूरा डिटेल में बता दें। उन्होंने ग्रेट। कहा ठीक है बताओ। हमने कहा मैम एक पेपर दीजिए। पेपर दिया, मैंने आगे से पीछे तक तो पूरा पेपर भर दिया, पूरा जैसे एग्जाम होता है ना सर, वैसे हाँ मैंने पूरा डिटेल में एक एक ऐसे ही चीज चुप हो किया, गया के पापा वन वो के टू तो। के थ्री के फोर, के फोर कब लेते हैं, क्या हाँ फैक्टर होते हैं, टेरेन कैटेगरी क्या होती है, क्लास क्या होता है, सब कुछ मैंने डिफाइन कर दिया उनको, कुछ बचा ही नहीं। उन्हें लग गया कि भाई इसमें कुछ तो टैलेंट है। तो उसके बाद बस उनके पास हमें एक क्वेश्चन और उन्होंने पूछा, कहा कोई सेक्शन है सपोज, कोई मुझे साइज नहीं याद है, तो उन्होंने कहा ऊपर 4 बार डली है, नीचे 4 बार डली है, इसमें एरिया ऑफ कंक्रीट और एरिया ऑफ स्टील निकाल दो। बताओ, तो वो तो ऑब्वियस ही बात, कच्चा 2 का लड़का भी निकाल देगा, टोटल एरिया में से स्टील का घटा दो कंक्रीट का आ जाएगा। तो करेक्ट।
उसके बाद फिर मैंने उनको अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट भी दिए। उनके पास एक प्रोजेक्ट आया था कंपनी में, एक आया था कंपोजिट पाइल का, उसमें एक आईएसएमबी डिजाइन, आईएसएमबी सेक्शन डाल के डिजाइन करना था। कंपोजिट कॉलम रहा होगा, कंपोजिट हाँ, पाइल रहा होगा। कंपोजिट कंपोजिट पाइल का। तो वहाँ उनकी कंपनी, मतलब पहले वो 2-3 दिन घुमा इधर उधर प्रोजेक्ट, तो हमारे पास आया। हमने कहा लाओ भाई, आता जाता तो है नहीं हमें कुछ, लेकिन एक बार ट्राई मारते हैं। तो उस कंपनी में ईटैब सॉफ्टवेयर भी नहीं था, कंपोजिट स्टैट में होता नहीं है, ईटैब में हाँ, होता है। ईटैब और में अच्छे ईटैब से तो हो जाए। अच्छे से, ईटैब तो अच्छे सीख ही रखा था मैंने तो, बट कंपोज स्टेप सारे पता थे, हाँ, बट कभी कंपोजिट किया बस नहीं इस, था, हाँ किया नहीं था। तो मैं इधर उधर से सब सर्च करके, पूरा CSI स्ट्रक्चर्स वाला एक यूट्यूब चैनल है CSI का, उस पे पूरा, क्योंकि उस पे क्या है ना, उस पे फर्जीवाड़ा नहीं करते हैं, जो हाँ उस पे जो बताएंगे ना वो एकदम 100% पूरा मतलब सही मार्केटिंग बताएंगे। का पूरा दुकान नहीं खोलेंगे, काम की चीजें ज्यादा हाँ, बताएंगे। बाकी YouTube पे तो बहुत भर भर के हर चीज है, अब क्या है क्या ही मतलब है उनका, सब इधर तो उधर की उसमें कई बातें। लोग जी ऐसे, मतलब कैसा होता है कि वो एक्यूरेट चीज मिल जाती है, सर, तो तो अच्छा उसमें रहता मैंने, उसमें उनका वीडियो मैंने देखा, तो फिर मैंने बनाया, है। और मैंने कहा ये फाइल हमको दे दो पूरा, मैं लेके आया वो फाइल अपने पीजी में। मैं रहता था अपने पीजी में, रुका मैं 2-2.5 घंटे लगे होंगे मुझे उसको, मैंने डिजाइन कर दिया, पता नहीं कैसे मुझसे हो गया, मुझे खुद नहीं पता, लेकिन वो हो गया प्लस। ठीक है, अगले दिन मैंने बताया था कि मेरा हो गया, वहां सब शौक रह गए, ऐसे कैसे हो गया कोई नहीं कर पाया, तुम कैसे करती है, अभी एक हफ्ता हुए ज्वाइनिंग प्रेशर। और देखो इसमें एक थोड़ी एक हफ्ता गुड हुए। हैबिट जी है, यहाँ पर एक गुड हैबिट तुम्हारी सर, बोलूंगा, तुमने अपॉर्चुनिटी को तुरंत पकड़ लिया। बिल्कुल सर, ठीक, अगर ये तुम छोड़ उनको देते मैं, तो फिर वो परफॉर्मेंस नहीं हो पाता। ये हाँ तो बताओ। सर ये एक मतलब आप लोगों का आशीर्वाद है, प्लस ये एक अच्छी हैबिट भी है कि अपॉर्चुनिटी को मैं दौड़ा के पकड़ लेता हूँ, उनको हाँ मैं छोड़ता ही नहीं हूँ, पीछे ग्रेट, पड़ जाता हूँ अगर कोई बहुत अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो। सही बात है। ये चीजें हैं, प्लस फिर उसके वहां बाद फिर थोड़ा मैंने तुम्हारा डिजाइन, भौकाल बन गया होगा कि यार इसने तो पाई कर ली, ये तो अच्छा ही कर लेगा वो। हाँ, फिर वहाँ के जो कंपनी के ऑनर हैं, MD हैं, फिर उनसे अच्छी जान पहचान हो गई, तो वो सब चलने लगा। उसके बाद मैंने वहाँ पे इसका टावर का काम होता था, BFS हो गया, PLVA हो गया, TLVA हो गया, तो इनका काम होता था उसमें। मतलब मैं, मुझे बस BFS अच्छा लगा था, क्योंकि उसमें पूरा लोड वोड अपना जैसे बिल्डिंग करते हैं हाँ, वैसे वैसे पूरा स्टेट पे बना के करते हैं, कॉन्सेप्ट भी यूज होते हैं, प्लस मुझे कुछ उसमें एकदम मजा नहीं आ रहा था, कि जो मैं सोच के ज्वाइन किया था हाँ वो ना ही मुझे बीम की डिजाइन मिल रही थी, ना ही कॉलम की मिल रही थी, फील मतलब नहीं आ रहा आरसीसी से लग रहा था ऐसा कि एकदम नाता टूट गया है। था। तो ये फिर उसके बाद मैं दूसरी कंपनी पर अप्रोच किया, वहां पे बिल्डिंग का काम था, बिल्डिंग में उसमें पूरा मैं, फिर बिल्डिंग धीरे धीरे, एक हमारे सीनियर थे वो छोड़ के चले गए, फिर मैं पूरा बिल्डिंग का उसमें डील करता था, बिल्डिंग में मैं ही उसका ये मान के चलिए हेड था हेड हो पूरा। गया पूरा वहां पे, और जबकि हाँ बहुत कम ये टाइम में। जी सर, मैक्सिमम मुझे 1-1.5 महीने में पहली कंपनी में था, फिर उसके बाद मुझे हो गया था, एक्चुअली मुझे किडनी स्टोन हो गया था, तो उसका ऑपरेशन वगैरह हमने कराया, उसमें चला गया, और प्लस इधर MTech कंप्लीट होने का था। और सबसे अच्छा एडवांटेज मैं तो भूल ही गया बताना, ये जो मतलब ये जर्नी रही जो हमने ये सब सीखा, इसकी वजह से मुझे MTech फाइनल सेमेस्टर में 10 out of 10 CGPA मिला ग्रेट, पूरा। मैं रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रम पे प्रोजेक्ट किया था हाँ ईटेक पे, मुझे 10 out of 10 CGPA मिला। बेस्ट। और वो तुम्हारे लिए नया भी हो गया, प्लस तुमने उसी समय पर शायद ऑल इन वन भी सीख रखा होगा उसी समय पर, तो तुमने हाँ, राइट टाइम पर और राइट चीज कर लिया। ठीक है, मुझे बिल्कुल ऐसा सर, लगता है कि तुम बताओ, मतलब टू बी फ्रैंक बताना क्लियरली कि एक फ्रेशर्स को ऑल इन वन आई थिंक स्ट्रक्चर्स के लिए कंप्लीट सोल्यूशन हो सकता है, मुझे ऐसा एकदम सर, लगता एकदम कंप्लीट, एकदम कंप्लीट सोल्यूशन है है ना। उसमें, सब कुछ है, मतलब एकदम वो बात है कि उंगली पकड़ के चलाने से दौड़ाने तक लेवल का है, सब करेक्ट, कुछ है उसमें। तो अब ये डिपेंड करता है कि इस, वो ऑल इन वन का कोर्स जो है 250 घंटे का, ये पेशेंस चाहिए। हाँ, पेशेंस ठीक, चाहिए, और प्लस वो पढ़ता कैसे, अगर सपोज ऐसे ही वीडियो ही देख रहा है कोई, हाँ जैसे बहुत लोग होते हैं बस वीडियो देखते जाते नहीं, नोट्स नहीं बनाना है, और हाँ फिर क्या हुआ, वो 4 दिन बाद, आज अभी ये कॉन्सेप्ट पता था, 4 दिन बाद जब वो यूज में आया तो भूल भूल गए गए, फिर। करेक्ट। और सबसे अच्छा मुझे ये भी चीज लगी, आपने उसमें जो वीडियो बने हैं उसमें टॉपिक नंबर नहीं डाला, टॉपिक हाँ का नेम नहीं डाला, टॉपिक का नेम नहीं डाला, वो इसलिए नहीं डाला, उसके भी बहुत मतलब अजीब तरीके के एडवांटेज, ही फायदे हैं, हाँ बहुत एडवांटेजेस हैं उसके,
जब भी आपको देखना पड़ेगा ना तो आप पूरी वीडियो ही देखेंगे फिर ये मैंने दिमाग तो लगाया था, हाँ, क्योंकि मुझे तो ऐसे आप पता है। करेंगे, बोलो बोलो बोलो। ऐसे ऐसे अगर आप करेंगे तो टॉपिक वाइज वो सर्च कर करके निकल लेंगे, तो हाँ उससे क्या है आधी चीजें कॉन्सेप्ट तो छूट गए। छूट गए, अब सॉफ्टवेयर क्या, सॉफ्टवेयर तो कैलकुलेटर है, उसको जो भी दे दोगे वो दे देगा दे देगा निकाल के। रिपोर्ट। उसके लिए चेकिंग के लिए भाई आपको तो मैनुअल आना चाहिए। पहले स्टार्टिंग में ना कुछ लड़के मुझे फोन किए, सर क्लास वन का जो आपने पढ़ाया उसका टॉपिक दे देंगे क्या, क्लास थ्री का टॉपिक दे देंगे क्या। तो फिर मैंने दिमाग लगाया, मैंने कहा अगर मैं इनको टॉपिक दे दिया ना तो वही टॉपिक पढ़ के निकल जाएंगे, पूरा पढ़ने की निकल कोशिश ही जाएंगे नहीं हाँ करेंगे। तो मैंने कहा नहीं देंगे, ठीक है। अब उसको वही अफोर्ड कर पाएगा जो समझ जाएगा भाई पूरा मेहनत करना है, आलसियों के लिए है ही बिल्कुल नहीं, वो नमस्ते हो जाए, ठीक है। तो वो जुझारू लोगों के लिए है। तुमने बहुत अच्छे से, मुझे तुम्हारा ना कैरियर का ग्राफ बहुत अच्छा दिख रहा है, भविष्य के बिल्कुल अकॉर्डिंग में बताता हूँ जिस हिसाब से तुम चल रहे हो, ठीक है। मैं तुम्हें एक छोटी सी भविष्यवाणी कर सकता हूँ कि तुम 1 लाख रुपए के आसपास बहुत जल्दी पहुंचने वाले हो, मंथली तुम्हारी बिल्कुल इनकम सर, होगी, ठीक है, फिक्स बता रहा हूँ बस मैं। आपका आपका आशीर्वाद रहेगा सर। मैक्सिमम तुम 2 साल के अंदर 1 लाख की तुम्हारी सैलरी होगी, इसकी गारंटी मैं दे रहा हूँ जो मैं देख पा रहा हूँ, अगर जैसे अभी बिल्कुल लगे हो ऐसे ही लगे रहे तो, ठीक है, एक्चुअली डेफिनेटली। मेरा प्लान कुछ और ही है आगे का। मुझे मतलब जिंदगी भर किसी का नौकर बन के नहीं रहना है, वेरी गुड, नौकरी मुझे करनी नहीं, बस मुझे मैक्सिमम 3 साल की नौकरी करनी है, सारे काम सीख लेने, फिर जब मेरे पास नॉलेज हो गया मैं क्यों नॉलेज बेचूं दूसरे को, मैं खुद अपना स्टार्ट कर लूंगा ना। करेक्ट। लेकिन उस और समय तक वो हम इतना पा जाए ये भी इम्पोर्टेंट है ना। वही तो बात, उसके लिए अपने को आना तो चाहिए, वैसे तो कोई भी बेवकूफ बना के चला जाएगा, तो हाँ वो ग्रेट चीजें आनी चाहिए। अब ग्रेट, मेरे साथ के लड़के हैं, बहुत से लड़के हैं जो कंपनी रजिस्टर करा के बैठे हैं, अब हाँ उनको आता है नहीं कुछ, आता है। अब बेचारे शुरू भी नहीं कर पा रहे, नौकरी भी नहीं मिल रही, तो हाँ और कैसे हो गया, अब ये कैरियर ग्रैब भी हो गया, तो अब वही तो कंपनी सर पूछती है तुम कहाँ थे, तो बोलते हैं मैं अपनी कंपनी खोला था, तो बोले यहाँ क्या कर रहे हो। ऐसा बहुत से लड़कों के साथ होता है कि वो ओपन तो कर लेते हैं कंपनी बड़े ही, लाइक थोड़े बहुत यूट्यूब पे वीडियो वीडियो देखा मोटिवेट हो गए, ठीक है। तो मैं ये कहता हूँ कि कम से कम 3 साल, या फिर अगर नहीं सीख पाए 3 साल में तो 5 साल, ठीक है। मैंने अपनी कंपनी स्टार्ट मेरा किया बिल्कुल तो पार्ट टाइम मैंने 2 साल के बाद स्टार्ट कर दिया था, ठीक है। जब 2 साल मेरा हो गया मैं पार्ट टाइम स्टार्ट कर दिया था, बट रजिस्टर्ड किया मैं 5 साल बाद। मेरा मानना ये है सर, वैसे स्टार्टिंग के 2 से 3 साल आपको पैसे के लिए नहीं भागना है, नॉलेज के लिए भागना है, क्योंकि अगर 2-3 साल में आप इतना गेन कर लेंगे ना कि उससे उसके बाद अच्छी कंपनी, देखो जो एमएनसी वगैरह होती है वो मिनिमम 2 साल का एक्सपीरियंस मांगती है, और उनमें हम लोग फर्जीवाड़ा नहीं कर सकते हैं, मतलब प्रॉपर उनको चाहिए, चाहिए एकदम एक्सपीरियंस लेटर चाहिए, करेक्ट, ये वाला है। और ये छोटी छोटी जो कंपनी होती है ये इसमें ज्यादातर लोग हर कोई अप्लाई ना कर दे इसलिए डाल देते हैं मिनिमम 2 साल का एक्सपीरियंस, अच्छा। हालांकि ये भी ये चीज को प्रेशर थोड़ा है। और हाईलाइट करो, ये चीज को थोड़ा हाईलाइट करना, क्योंकि कई लोग क्या देखते हैं, ओपनिंग देखा वहां लिखा है 3 से 6 साल या फिर 3 से 5 साल बिल्कुल एक्सपीरियंस, वो अप्लाई ही नहीं करते। नहीं, करना चाहिए, हर कंपनी में अप्लाई करो, ये हाँ सोचो मत कि ये हमारे लिए नहीं है, बस अगर वो चीज उसमें मेंशन कर रखी है उसने कि जो भी मेंशन कर रखा है वो आपको आता है तो तुरंत अप्लाई कर दो, उसमें करेक्ट कोई मतलब झिझकने की बात ही नहीं है। करेक्ट है, एक्चुअली इनका ये फंडा रहता है, छोटी कंपनियां इसलिए डाल देती हैं कि इनके पास बहुत बड़ी तो टीम होती नहीं है, प्लस फिर उसके लिए बहुत ज्यादा एचआर वगैरह एक अलग टीम उनको हायर करनी साइन पड़ेगी, करना पड़ेगा। इंटरव्यूअर इंटरव्यूअर कमेटी एक अलग बनेगी, तो इसलिए वो ये सोचते हैं ना कि 2 साल का एक्सपीरियंस डाल देंगे तो हर कोई अप्लाई नहीं करेगा, जो भी अप्लाई करेगा वो एकदम क्रीमी लेयर ही अप्लाई करेगी, या हाँ जिसको एक्चुअल में 2 साल का एक्सपीरियंस होगा वो अप्लाई हाँ करेगा, तो कम लोग आते हैं इंटरव्यू देके, उनको कम लोगों में अच्छा अच्छा नॉलेज वाला करियर बंदा मिल मिल जाता जाता है। है। और एक दिन ऐसे मैं एक लड़के से बोल रहा था, तो वो बोला कि सर मैं अप्लाई इसलिए नहीं किया क्योंकि आप 3 साल एक्सपीरियंस लिखा था। मैंने बोला नीचे वहाँ सैलरी क्या लिखा था, बोला 15 हज़ार। तो मैंने बोला ये बताओ बिल्कुल 3 साल बाद तुम 15 हज़ार की जॉब पे अप्लाई करोगे, तो बोलता नहीं सर। नहीं तो मैं कहा कौन करने वाला है फिर वो तुम्हारे लिए है, अगर ये वहां पर बात 15 हज़ार लिखा है दैट मीन को चाहते हैं, वो जानते हैं कि उनको फ्रेशर ही लेना है, बट लिख बिल्कुल इसलिए दिया कि हमको क्रीम मिल जाए। तो ये चीजों को लोग ध्यान नहीं देते हैं। चलो अब इस इस टाइम मतलब मुझे सर अभी 6 महीने तक नहीं हुए जॉब करते हुए, 6 महीने होने वाले हैं, अब मतलब 15-20 दिन अभी बचे हैं। अब इस टाइम मैं जिस कंपनी में गया हूँ वो एनसीआर की बेस्ट कंपनी है और सारा काम करती है, हाईराइज G+50 G+60 तक करती है, उसके बाद स्टील में मेट्रो हो गया, एयरपोर्ट हो गया, कंपनी का ये नाम बता दो, सारे कई लोग सर अप्लाई भी करेंगे कंपनी का नाम तो डिस्क्लोज नहीं करना चाहते ना। चलो तुम रहने, तो मैं कर अभी दूंगा।
अभी नहीं करूंगा जब तुम्हारा वो हम पर, अभी हाँ कैसे कि गाइस इसका भी जस्ट जॉब लगा हुआ है, अभी सिलेक्शन हुआ है, ऑफर लेटर आ चुका है, ज्वाइनिंग नहीं हुई है अभी, कल कल ही है ज्वाइनिंग। कल ही है ज्वाइनिंग, ठीक है। तो इसलिए बिल्कुल तो राइट टाइम पर राइट चीज करना चाहिए, हाँ चलेगा तो नहीं तुम्हारे जो लाइक डेफिनेटली क्या होगा, तुम्हारे इस जर्नी से ना कई लोग सीखेंगे कि यार बिल्कुल मुझे पहले तो एक प्लेटफॉर्म पे चूज होना है, अगर मैं इसको निचोड़ करूँ अपने पॉडकास्ट का तो कैसे होगा कि एक ही प्लेटफॉर्म पे रहो, अगर तुम स्ट्रक्चर्स पे जा रहे हो तो स्ट्रक्चर्स पे जाओ। और सबसे अच्छी बिल्कुल चीज तुम्हारी ये है कि तुम एक चीज को टाइम दिए, तुमने ऑल इन वन को टाइम दिया तो प्रॉपर निचोड़ निकाला उसका, ठीक है। बिल्कुल मैं बहुत से लोगों को देखता हूँ कि वो लोग वीडियो कोर्सेस परचेस करते हैं डेफिनेटली, लेकिन वो क्या करते हैं ना, स्टार्टिंग दो तीन लेक्चर्स तो वॉच करेंगे, उसके बाद वो आराम फरमाने लगते हैं, ठीक है, फिर वो फोकस नहीं करते हैं और फिर वो सोचते हैं कि मेरा सक्सेस क्यों नहीं मिल रहा है। मिलेगा कैसे भाई जब तुमने निचोड़ ही नहीं निकाला उस चीज का। एक्चुअली क्या है ना सर, मेरा बीच में मैंने बताया था हाईवे डिजाइन में भी हुआ था, करेक्ट, कंपनी थी एक्सजी इंफ्रा, बहुत अच्छी कंपनी हाँ है, तो उसमें हुआ था एज ए डिजाइन इंजीनियर, हाईवे का काम था, लेकिन लेकिन मुझे मजा केवल बिल्डिंग में ही आता था, करेक्ट आरसीसी का ही, तो करेक्ट वहां पे सैलरी मतलब मुझे जितनी मिल रही थी ना उससे डबल मुझे मिल रही थी। वहां पे मेरी स्टार्टिंग 15,000 से हुई थी और वहां पे मुझे 30,000 ऑफर हुआ था स्टार्टिंग। और स्टार्टिंग, और 1 साल तक उनका ट्रेनिंग पीरियड था, उसके बाद शायद 45 या 50 के अराउंड सैलरी मिली थी, हाँ लेकिन मुझे उसमें इंटरेस्ट ही नहीं था। मैं सीधा मतलब एक बार शायद आपसे बात भी किया था, मैंने कहा सर मुझे इंटरेस्ट नहीं है, क्या करें, जाएं या ना जाएं, तो आखिर में मुझे यही समझ आया कि ना मतलब वो नहीं, अपने लिए कोई हाँ मतलब नहीं है उसका। क्योंकि और जिस चीज के लिए उससे आप क्या कोई है, जो हमने जो अपना गोल डिसाइड कर रखा है ना उस पे हम डाइवर्ट हो जाएंगे, उस पे पहुंच नहीं पाएंगे फिर। करेक्ट और इसलिए मैंने टावर देखिए बीएफएस का भी मैंने सीख लिया काम, उसके बाद फिर दूसरी कंपनी गया, उसमें इटैब नहीं होता था, स्टैड होता था। स्टैड का सारा मैं G+22 तक किया हूँ, और स्टैड में डायनेमिक करना कितना क्रिटिकल होता है आप बहुत समझ क्रिटिकल सकती होता है, है। बहुत ज्यादा पूरा एकदम पकाऊ काम है। हाँ एक ईटेप में बहुत उसमें आसानी से हो एक जाता है इस एज कम्पेयर टू इटैब में बहुत स्टैट। आसान हो जाता है, उसमें एक प्रोजेक्ट करने में मुझे वो G+22 का प्रोजेक्ट करने में मुझे लगभग 25 दिन लगे थे स्टैड हाँ लग जाएंगे 25 दिन। पे। कितना हैंग करने लगा होगा सिस्टम तुम्हारा पूरा से। अरे सर बहुत एकदम, एक तो वहां पे वो सिस्टम रखे थे 4-4 GB के, उनपे काम होता था, तो हाँ अगर एनालिसिस लगा दो 1 घंटे आराम फरमाओ, हाँ एक डेढ़ घंटे ये तब वो स्टैट में एनालिसिस बहुत बड़ी रिपोर्ट प्रॉब्लम बनाओ। है। इवन मैं एक बार G+11 का प्रोजेक्ट कर रहा था और वो प्रोजेक्ट लगा दिया मैंने गलती से कि चलो स्टैट, मेरे पास ऑप्शन था दोनों करने का, हमने कहा स्टैट पे कर लेंगे, अब वो हो ही ना। एक बार वार्निंग आ गई 800 वार्निंग के आसपास आई थी, अब उसको दोबारा सॉल्व करते करते कई दिन लग गए थे, मुझे याद भी नहीं कि कितने दिन वो प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ। फिर मैंने कान पकड़ा कि अभी हाई राइज बिल्डिंग में ईटैप पे ही करूंगा, हाँ बिल्कुल बेस्ट इटैब ऑप्शन मतलब था। आरसीसी के लिए बहुत बेस्ट है, और स्टील के लिए इटैब हम लोग यूज ले सकते हैं, स्टील लिए क्या स्टील यूज के कर लिए रहे हो, इटैब बहुत ईटैप से सही, यूज कर रहे हो, नहीं सॉरी स्टील के लिए स्टैड, स्टैड स्टैड यूज कर बहुत रहे हो, सही मैं है। भी वही करता हूँ। जैसे स्टैड में ना एक्चुअली पीवी का भी जो काम सीखते हैं, इवन अपने क्लास भी हमने हाँ सिखाया हुआ है, तो स्टील में जो पीवी में सिखाते हैं पूरा का पूरा स्टैड में, क्योंकि स्टील के लिए बड़ा मस्त सॉफ्टवेयर है एक्चुअली देखा जाए तो, बिल्कुल पूरा रेशियो मैंने से लेके। मतलब आपने जितना भी स्ट्रक्चर पढ़ाया ना वो सब मैंने सीखा हुआ है, हाँ तुमने सीखा होगा मैनुअल कई वाला भी चीज़ों, सीखा हुआ है, ऑल इन वन भी सीखा हुआ है, पीवी भी सीखा हुआ है, सब कुछ मैंने सीखा हुआ है, ग्रेट, और उससे मतलब बहुत ज्यादा उसके मुझे मतलब प्रॉन्स बहुत ज्यादा लग रहे डेफिनेटली हैं। बहुत ढेर सारे बेनिफिट्स हो गए, तो चीजें क्लियर हो गई तुम्हारी। अब इससे मैं क्या सीवी में अपने अपना आरसीसी की भी डिजाइन मेंशन कर लेता हूँ, करेक्ट स्टील का भी मेंशन कर लेता हूँ। करेक्ट अब देखो कैसे होता है ना कि मैं तो बोलता हूँ कि जो एक्सपीरियंस है उनका कुछ ना कुछ सीखना चाहिए। जैसे तुम किसी का अगर बुक पढ़ते हो तो उस बुक का जो एक्चुअली उस बुक ना केवल बुक नहीं होती है, जिसने लिखा है उसकी पूरा निचोड़ होता है, जी सर ठीक। अभी जैसे ऑल इन वन है तो मेरा पूरा लाइफ का जो एक्सपीरियंस का निचोड़ है वो जाके वहां पर निकलता है। तो मुझे तो ये बिल्कुल लगता है कि हमें क्या बोलते हैं, तुमको भी ये चाहते इस बात से तुम रिफर करोगे कि किसी भी पोजीशन पर पहुंच जाओ लेकिन स्टडी डेली रखो, नया सीखते रहो। वो चीज कभी नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि वही आपको आगे लेके जाएगी। करेक्ट आप सोच रहे होंगे कि क्या यार अगर आधा घंटा भी डेली दे रहे हैं ना, तो 1 महीने में आप 15 घंटे दे रहे हैं, करेक्ट 15 घंटे समझ सकते, बहुत ज्यादा आप दे रहे हैं, बहुत और उतना तो हम लोग बस फोन स्क्रॉल करने में निकाल देते हैं। करेक्ट। इवन तुमने जॉब लगने के बाद, शायद तुमने पीई भी जॉब लगने के बाद कोर्स लिया ना मुझे हाँ लगता है, हाँ तो मुझे जॉब अच्छा लेने के लगा बाद लिया, था, और मैं सीख भी लिया पूरा, मुझे ये अच्छा लगा था कि तुम जॉब लग चुकी हो और तुम अब सीखना चाहते हो, ये सबसे और अच्छी है मैं मेरे लिए। और भी वेट कर रहा हूँ आपसे, मैं बोल चुका था सर SAP 2000 कब लाएंगे, आ रहा है आ रहा और है वो
एनसीस लेके आ रहा हूँ, सेप 2000 लेके आ रहा हूँ, तुमसे अनाउंस कर रहा हूँ, ठीक है। ये आ रहा है 2023 के स्टार्टिंग में, मतलब जैन मंथ में, नए नए चीज़ें मैं अभी क्या कर रहा हूँ, ठीक है, इन पे पूरी प्रिपरेशन कर रहा हूँ। जब कैसे होता है किसी भी चीज़ को करने के लिए पहले परफेक्शन खुद के अंदर निचोड़ना पड़ता है कि नहीं, बिल्कुल तब जाके फिर आपको मुझे प्रदर्शित करना। क्योंकि अभी जैसे कि तुम लड़की देखने जा रहे हो, ठीक है, अब तुम ऐसे जैसे घर में बैठे हो ऐसे चले जाओगे तो हो गया, प्रपोज तुम किए वो भगा देगी, ठीक है, थोड़ा सा बन ठन के बिल्कुल जाना पड़ेगा तुमको, ठीक है, बिल्कुल, तो थोड़ा नजर, शो ऑफ करना पड़ता हाँ, है उसके लिए, थोड़ा शो इसमें, ऑफ। बट इसमें क्या है, इसमें शो ऑफ मतलब ऑटोमेटिक शो ऑफ निखर के आना चाहिए, हाँ वो वाला है, वो तभी आएगा जब आपको नॉलेज होगा। अच्छा करेक्ट है, ठीक। आज ऐसे वो मैं वेबिनार कर रहा था, तो वेबिनार में मतलब कि मेरा एक दोस्त आया था, तो वो कपड़े धुल रहा था बाथरूम में, तो ऐसे उसके ब्रश की आवाज आ रही थी, ठीक है, तो फिर मैं वेबिनार को रोका, पहले मैंने उसको जाके समझाया, मैंने कहा देख मैं अपनी पूजा कर रहा हूँ, ठीक है, एजुकेशन जब मैं दे रहा हूँ किसी को तो ये मेरी पूजा है ना, क्योंकि मेरा वर्क है, वर्क इज वर्कशिप, तो मैं अपनी पूजा कर रहा हूँ, इस पूजा में तेरा ब्रश मुझे डिस्टर्ब कर रहा है, ठीक है, तुझे बुरा लगे तो ठीक है, लेकिन आधे घंटे तुझे ब्रश नहीं चलाना है, ठीक है, क्यों, क्योंकि अब ये देखो ये मेरा काम है, तुम्हारा जो काम है सेम तुम्हें भी इस काम में उतना लॉयल होना पड़ेगा। मैं बोल सकता था कि मुझे तो रटा हुआ है चीजें, तो मैं तो ऐसे ब्रश चला के भी काम कर लेता, लेकिन शायद मैं पूजा उतनी अच्छी से नहीं कर पाता ना, तो जैसे, जो मतलब मैं तो कर लूंगा पूजा, बट जो हमारे भक्त लोग हैं वो डिस्टर्ब हो जाएंगे ना, हाँ, ये तो हो चीज है। सकता है कि उनको डिस्टर्बेंस हो, प्लस डेफिनेटली एक एक्सपेक्टेशन होता है हर किसी का। अगर शुभम का कोई वीडियो वॉच कर रहा है, 1 घंटे हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है, अगर इस वीडियो में हम लोग सिर्फ फालतू की बातें करें, काम की बातें ना करें, डेफिनेटली हमने सारी काम की बातें की हुई है, तो बिल्कुल उसको लगेगा ना यार मेरे लाइफ का 1 आवर मेरा यहाँ गया ना, और उसमें कोई यूटिलाइजेशन नहीं है, जो समझदार है, ठीक है, जी सर, और प्लस अभी इससे और जैसे, मोटिवेशन भी मिलेगा, सबसे अच्छी बात है, हाँ एक मोटिवेशन अंदर से, एक अच्छा पोटेंशियल, नया एनर्जी एग्जैक्टली जगेगी। मुझे तो मतलब एक बार ऐसा हो गया था कि जब मैं आपसे बात कर लेता था ना, तो एक हफ्ते तक मेरे शरीर में एकदम बड़ी अच्छी एनर्जी आ जाती थी, मैं बहुत एनर्जेटिक होके काम करता था। ये ऐसा ऐसा इसलिए होता है शुभम, जैसे कि इसको बोलते हैं ऑरा, ठीक है, मैं नहीं बोलूंगा अपने बारे में, अभी किसी के बारे में भी, जो इंसान बहुत एनर्जेटिक होके काम कर रहा है ना, ठीक है, तो उससे तुम जब बातें करोगे तो तुम चार्ज हो जाओगे, ठीक है, वो तो है तुम ही, अपने दोस्तों में मैच करो, तुम ज्यादा अच्छे से कंपेयर कर पाओगे। एक दोस्त होगा जिसे बात करते हुए कुछ लगता है कुछ बड़ा करते हैं, कुछ अच्छा करते हैं, बिल्कुल और एक दोस्त, अरे यार कुछ नहीं हो रहा है, सीवी शॉर्टलिस्ट ही नहीं हो रही है, ठीक है, इसको मैं ऐसे समझता हूँ सर, इसको मैं हाँ ऐसे समझ, तो सपोज पॉजिटिव और नेगेटिव है, दोनों एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होने ही होने, ठीक है। करेक्ट, अब मैं अपना एग्जांपल देता हूँ, आप सपोज आप में पॉजिटिव एनर्जी बहुत ज्यादा है, ठीक है, और है भी एक्चुअली, मैं मतलब झूठ नहीं बोल रहा हूँ, सबके सामने ये बोलना चाह रहा हूँ कि मतलब बहुत ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी है। और मेरे में उस टाइम जब मैं मतलब बहुत डिप्रेस वगैरह होता हूँ, तो उस टाइम मेरे में नेगेटिव एनर्जी है, मैं ऐसा सोचता हूँ, ठीक है, बट करेक्ट, नेगेटिव एनर्जी वो तो बहुत वादा वाली होती है, लोग मानते हैं, ये बट नॉर्मल वाली है। मैं इस वे में लेता हूँ, तो जब मैं पॉजिटिव वाले से बात करूंगा ना, तो अपोजिट है तो मेरा अट्रैक्शन होगा ही होगा, और हाँ कुछ न कुछ उस पर असर होगा, और कुछ न कुछ हमारा जो नेगेटिव वाला है, नेगेटिव पॉजिटिव मिलके कुछ न कुछ कैंसिल आउट होंगे ही होंगे, तो करेक्ट, धीरे धीरे जो हमारे बाकी नेगेटिव बचे वो भी कैंसिल आउट ही हो जाएंगे और जब एक बार जब पॉजिटिव ज्यादा अचीवमेंट होगा। मिलने लगती है तो पॉजिटिविटी और बढ़ने लगती है धीरे धीरे करके, बिल्कुल सर, बिल्कुल, वो तो फिर अंदर से आने लगती है, फिर अंदर से लगने आने, लगता है कि नहीं भाई ये हमारे लिए बना है और हम ही कर हाँ, सकते हैं इसको, बाकी ये कर लेंगे, लेकिन जितना अच्छा मैं कर सकता हूँ उतना ही कर सकता हूँ। इस मेरा ये रहा स्टेज, है, बोलो बोलो, मेरा हमेशा से ये रहा है, मतलब कहीं भी मैं कॉलेज में मतलब मेरे वाइवा वगैरह हुए या कभी जो इंटरव्यू वगैरह दिए, मैं ये सोच के बैठता हूँ कि इंटरव्यूअर को मुझसे कम आता है, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट हमेशा पॉइंट है, हमेशा मैं ये सोच के बैठता हूँ। और मैं सबसे पहले जिस कंपनी में था वो मैंने प्रोजेक्ट कर दिया, तो उन्होंने मतलब उनको लगा कि मतलब सही है, इसको नॉलेज है, तो उसके बाद मैं इंटरव्यू लेने लगा, एक महीना भी मुझे नहीं हुआ था ज्वाइन किए, नए नए जो आते थे और उसमें अच्छे अच्छे बंदे आते थे जो NIT से MTech किए हुए, वैसे लोगों को मैंने रिजेक्ट कर दिया। NIT से MTech करके आए, दो तीन तीन साल का एक्सपीरियंस उसको, और मैंने पूछा नॉर्मल चीजें वो नहीं बता पा रहा, छोटी छोटी, अरे बड़ी बड़ी तो सबको आती भाई, हाँ जब एक एक मतलब कंकड़ डालोगे तभी तो पानी ऊपर पानी आएगा, ऊपर आएगा, तो छोटी छोटी चीजें पता होनी चाहिए। अब वो नॉर्मल स्ट्रेस कर्व नहीं बना पाया माइलेज स्केल का, और मैं अंदर तक घुस जाता हूँ, जो बना लेता है फिर उसके सारे पॉइंट डिफाइन करो, पॉइंट बना लिए, अब इसमें क्या क्या है, कौन कौन से है, कैसे हमारा कैसे प्लास्टिक है, रीजन क्या है, नेकिंग रीजन क्या है, और करेक्ट, कितना परसेंट है, कितने प्रूफ स्ट्रेस कितने परसेंटेज पे आती है,
फिर मैं उसी में और घुस जाता हूँ। मान लो माइल्ड स्टील अभी हमारे पास था, अगर हम कॉपर या एल्यूमिनियम का बनाए तो कैसे तो कैसे बनेगा, बनेगा? तो वहां पे से बैठ जाती है वो लॉजिकल, चीजें। लॉजिकल बहुत हाँ, इंपॉर्टेंट है, ये मैं बहुत उसी अच्छी से चीज क्वेश्चन क्वेश्चन रिलेट करके ही बना देता हूँ उसी से। अगर मैं गुस्सा हूं ना माइल्ड स्टील कर में, तो नॉर्मल हमें पढ़ाया जाता है उसका, जो भी हमारा माइल्ड स्टील का है, ना ही कॉपर का पढ़ाया जाता है ना ही एल्यूमिनियम का पढ़ाया जाता है। करेक्ट। बट वो बताते हैं बीटेक में कोर्स में, ऐसा है, ऐसा नहीं कि नहीं बताते हैं, बताते हैं वो पॉइंट टू लेकिन हम ध्यान परसेंट नहीं स्टेल देते। ऑफसेट मेथड से बताते हैं, वहां से ऑफसेट डाल देते हैं, जहां पे हमारी 0.2% स्टेल मैच करती है वहीं पे हम अपना प्रूफ स्टेल दे देते हैं। तो ये चीजें हैं, और वो ज्यादातर लोगों को पता नहीं रहती। और एक्चुअली मैं बताऊं कि ये तो मतलब 12th की चीज है स्टेट स्टैंड करना, करेक्ट है। ये एक्चुअली हम लोग ट्वेल्थ के से 12th स्टार्ट में हो है। जाता है, बट कैसे होता है कि ये स्ट्रेस टॉपिक हो गया, किसी भी टॉपिक के बारे में डीप अगर नॉलेज है तो तुम हमेशा कॉन्फिडेंट रहोगे। और दूसरी बिल्कुल इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि कभी भी, चाहे इंटरव्यूअर हो चाहे तुम इंटरव्यू दे रहे हो, ठीक है, कॉन्फिडेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कई बार ऐसा होता है, मैं मॉक लेता हूँ तो किसी को टफ, जैसे गुरुकुल में क्या होता है ना, कभी हर फ्राइडे को मॉक लेता हूँ, तो मॉक में क्या होता है, जैसे मॉक पूछा तुमसे, स्टार्टिंग में मैंने टफ क्वेश्चन पूछ लिया, एकदम टफ, अब तुम्हारा कॉन्फिडेंस यहाँ था, मैंने यहाँ कर दिया, और हर इंटरव्यूअर यही करता है। बिल्कुल अभी तुम इंटरव्यू ले बैठते होगे, तुम सोचते हो कि एक कितना टफ क्वेश्चन पूछ लो, इसका कॉन्फिडेंस थोड़ा डाउन, फिर वो रिलैक्स होके क्वेश्चन पूछते हैं। अब होता क्या है कि अब आता हुआ क्वेश्चंस भी तुम्हारा गलत हो जाता है। बिल्कुल। अब एक लड़का आया था एनआईटी, शायद एनआईटी जम्मू से एमटेक किया था, 3 साल का उसको एक्सपीरियंस था। मैंने उसका इंटरव्यू लिया, मैं सब मतलब पहले स्टेट स्टैंड गया, वो उसने बता नहीं पाया। उसके बाद मैं इंटर किया थोड़ा सिस्मिक में, अब वो सेस मैंने में हाँ कितना इजी, लेकिन बताया नहीं होगा। नहीं मैं इंटर किया, उसके बाद वो नॉर्मल चीजें बेसियर वगैरह वो सब फॉर्मूले वगैरह, फिर उसके बाद मैं और घुसने लगा, थोड़ा डायनेमिक में घुसा, मैं टाइम पीरियड वगैरह पे गया। मैंने कहा टाइम पीरियड, कह रहा सर इतना डीप किसको पता होता है। हमने कहा भाई एमटेक किया, स्ट्रक्चर में इतना डीप क्या है, ये तो सब्जेक्ट था अपना। तो कह रहा डायनेमिक एनालिसिस नहीं, तो पूरा एक सब्जेक्ट है। हाँ तो कह रहा नहीं आता। फिर उसके बाद उसने रिज्यूमे में मेंशन कर रखा था पीवी का भी किया। अब पीवी नॉर्मल डिजाइन बोल दो तो वो कर लेगा। मैंने कहा हाँ भाई बताओ ये स्ट्रक्चर क्या होता है। सर ये तो पता नहीं, गटर क्या होता है नहीं पता सर, कौन कौन से मेन एलिमेंट होते हैं पीवी के, कौन कौन से सेकेंडरी एलिमेंट होते हैं मैंने पीवी के नहीं साथ पता, क्लासों में पढ़ाया हुआ है ना। नहीं पता। तो मैंने कहा भाई आता क्या है तुमको, फिर जब सबको नहीं पता है तो क्या मतलब है। अच्छा, मेन चीज जब इसमें आपको जी बोलो 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 सर, बोलो बोलो। नहीं मतलब जब आपको उस वो एलिमेंट का नाम ही नहीं पता है, सपोज हमारा पैर है, हमारा पैर है, अब आपकी हड्डी टूट गई, किसकी टूट गई आपको पैर पता ही नहीं है, तो आप क्या करेक्ट कर पाएंगे। कम से करेक्ट कम बताने लायक करेंगे भैया पैर की हड्डी टूट गई। करेक्ट है। और मुझे लगता है ना कि लोग कैसे, कभी कभी लोग क्या करते हैं, बड़ी बड़ी चीजों के बारे में पढ़ लेंगे, उसका हाँ बेस ही नहीं पता है। नहीं, मेरा तो हमेशा से यही रहा है कि बड़ी चीज भले एक बार ना आए हमको, लेकिन छोटी चीज जानते हैं, कम से कम उस छोटी चीज से हम स्टार्ट तो कर सकते हैं। करेक्ट स्टार्ट कर लेंगे, अगर हम 50% पे पहुंच गए तो 50% और आगे बढ़ लेंगे धीरे करेक्ट धीरे। करेक्ट है। जब तुमने बहुत अच्छे से टॉपिक्स मुझे लगता है ऐड कर दिए, एक तो रिज्यूम का तुमने ऐड कर दिया कि भाई डेली अप्लाई करना है, ठीक है, जब तक सीवी बिल्कुल शॉर्टलिस्ट नहीं होती डेली अप्लाई करना है, ठीक है, ये बिल्कुल तो सबसे अच्छा तरीका है, क्योंकि इंटरव्यूअर इंटरव्यू लेगा, टेलीफोनिक लेगा, फेल हो जाओगे, सीख तो लोगे कि एक्चुअली पूछा क्या है जो मैं नहीं बता पाया, ठीक है। जब मैंने क्या बोलते हैं टेलीफोनिक देता था, तब जाके मेरी प्रैक्टिस होती थी, तो मेरे दो मतलब कम्युनिकेशन का मुझे प्रॉब्लम है, जैसे तुम भी इलाहाबाद में, इलाहाबाद से तुमको मेरी पता होगा। मेरी भी दिक्कत है। मैं भी अभी मतलब फ्लुएंटली इंग्लिश बोल नहीं पाता हूँ। मेरी मुझसे तब जब इंग्लिश में क्वेश्चन पूछता है कोई, तो हाँ मैं कहता हूँ मैं मतलब हिंदी में शुरू होता हूँ। तो मतलब कोई कभी कभी ये भी हुआ कि आपको मतलब इंग्लिश बहुत अच्छी नहीं आती क्या, मैं कहता हूँ देखिए आपको इंग्लिश से मतलब नहीं है, आपको मतलब है केवल कंटेंट से। मैं हाँ कंटेंट दे रहा हूँ ना आपको, पूरा समझाऊंगा डिटेल में, उसमें अगर हाँ कोई कमी हो तो बताना। तो ये मैं चीज कैसे है अपना मस्त। इम्प्रूव करता था इंग्लिश, तो मैं बताता हूँ, बड़े मस्त स्टोरी है। तो मैं कैसे, पहले अपन ना बोर्ड क्या बोलते, इतना वो नहीं था ना कि इंटरनेट से कोई प्रॉब्लम देख लिया मोबाइल का सॉल्व हो जाएगा, तो कैसे कि बिल्कुल कभी 10 पैसा मोबाइल का कट गया, तो अपन इतने वो होते थे कि चलो कॉल करते कस्टमर कोर को, और मेन कॉल करने का रीजन ये होता था, वो उसमें ऑप्शन आता था हिंदी में बात करने के लिए एक दवाएं, हाँ, इंग्लिश मैं में भी वही बात करने के करता, लिए दो दवाएं, तो मैं मैं अभी भी जानबूझ वही के करता दो, हूँ। मैं जानबूझ के दो वही दो दवा देता था। अब हो गया, अब वो क्वेश्चन पूछे कि सर व्हाट्स योर प्रॉब्लम, तो कभी कभी तो इतने गंदे 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 को लोग गेम खेल रहे हैं, गेम में मोबाइल हैंग कर रहा है, व्हाट इज द सोल्यूशन फॉर दैट,
अब बोले वो भी सिर पकड़ ले कि क्या क्या बोलने से, कई बार तो कस्टमर केयर वालों ने ब्लॉक कर दिया, वो उनका एक होता है कि ये कस्टमर बहुत ज़्यादा इरिटेट कर रहा है, तो मैं उनको इसलिए सर। बात करता था कि जिससे कि हमारी फ्लुएंटी थोड़ी सी आ जाए। एक्चुअली मैं भी मतलब ये बताना चाहूंगा कि सबसे अच्छा ये तरीका है अगर अंग्रेजी सीखने का, तो मतलब बाकी कॉन्सेप्ट तो हम लोग पढ़ पढ़ के सीख लेंगे, करेक्ट, लेकिन अगर बोलने वाली प्रैक्टिस कर ली ना तो ये सबसे अच्छा तरीका है। सिंपल। कस्टमर केयर से आप बात कीजिए, धीरे धीरे आप प्रैक्टिस में आ जाएंगे। अरे अभी तो क्रेडिट कार्ड वाले इतना अच्छा कॉल करते हैं, डेबिट कार्ड लोन वाले करते हैं, पहले ये सब नहीं होता था, क्योंकि ये जब आपके अमाउंट में, जब अकाउंट में 600 रुपए है तो कौन कॉल करेगा लोन देने के लिए, ठीक है। सही तो बात अभी तो है। मैं देखता हूँ कि मैं बोलता हूँ देखो यार कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, लोग कॉल करते हैं हेल्थ इंश्योरेंस करवा लीजिए सर, तो मैं तो उनसे भी बात कर लेता हूँ, क्योंकि उससे क्या होता है अपना कम्युनिकेशन जो होता है स्ट्रांग होता है, नहीं खा लिए तो ब्लॉक कर दिया खत्म, लेकिन एक अपॉर्चुनिटी है ना, क्यों मिस करना है इसको, बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल, तो ये बहुत अपॉर्चुनिटी जितनी है मतलब कोई भी छोड़ नहीं चाहिए मेरे खींच हिसाब से। खींच लेना चाहिए सब कुछ, और मुझे लगता है तुमने बहुत अच्छा प्लान किया हुआ है ये फ्यूचर के लिए, जैसे कि मैंने भी ऐसे ही कुछ किया था कि पहले कम से कम 3 साल तक लगाओ खुद को, हर एंगल से परफेक्ट कर लो, एक जगह तुम फ्लॉप हो सकते हो अगर उसको काम नहीं किए तो। वो क्या है, वो ये है कि तुमने काम करना तो सीख लोगे, जी काम सर, लाना जरूर सीख लेना, हाँ जो मैक्सिमम उस पर लोग वर्क फॉल्ट कर करना रहे हैं, ठीक है ठीक है, डेफिनेटली मैं तो तुम्हें शेयर कर दूंगा कि कैसे कैसे काम लेना है, बट तुम्हारा खुद का भी तजुर्बा बढ़ा लेना चाहिए इस 3 साल के दौर, अगर तुमको प्लान है माइंड में ऐसा कुछ, ठीक, इस चाहिए। ये तजुर्बा बढ़ा लेना चाहिए कि अब मेरे को काम तो करना आ गया, ठीक है, और काम लाएंगे कैसे। मेरे जितने दोस्त हैं उसमें से कई दोस्तों ने स्टार्ट किया बिजनेस, जैसे तुम बता रहे हो ना, शटर बंद हो गई, रीजन किसी को काम बिल्कुल लाना आता है तो करना नहीं आता है, किसी को करना आता है तो लाना नहीं आता है, अब क्या होता है कॉम्बिनेशन फ्लॉप। नहीं बैठ पा रहा है। हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैंने भी एक्चुअली सीखा इस चीज को लेके, मेरे दोस्त ने बोला कि चलो हम लोग खोल देंगे, तो हमने कहा प्रोजेक्ट कहाँ से आएगा, ठीक है, तब जी सर, हमें पता चला ये टाइम कि ऑनलाइन कैसे कर सकते हैं, फिर मुझे Fiverr.com Upwork.com पता चला, अभी मेरे भाई है मौसी का लड़का है लखनऊ की कंपनी में काम करता है, बिलिंग का पूरा काम करता है वो, तो उससे मैंने जी बड़े ढेर सर, सारे ट्रिक्स सीखे प्रोजेक्ट लाना कैसे है, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा। तो ये कैसे हो गया कि आप लोगों से मिले, लोगों से मिलके कुछ न कुछ सीखा, तो ये तुम करना है अपने इस 3 साल के दौरान में, इस ये तैयारी जरूर करना कि हमको काम लाना कैसे है, या फिर चलो ठीक है लाना के लिए तुमने पता चल गया कि आर्किटेक्ट का काम अपने पास आ सकता है, तो क्या आर्किटेक्ट्स के पास आपका नोट है क्या, मतलब कुछ एक कम्युनिटी आपने बना रखी है क्या कि चलो ये जानता है मुझे, ये जानता है ये जानता है, तो क्या ऐसा कुछ है क्या। इंडिया मार्ट से काम लेना है तो इंडिया मार्ट से काम ले रहे हो तो कैसे लेंगे, इंडिया मार्ट पे कैसे रजिस्टर करेंगे, या फिर और भी बिल्कुल प्लेटफॉर्म्स हैं जिन पे आप रजिस्टर करके काम ले सकते हो, तो काम करना और काम लाना ये दोनों सीख लो, उसी दिन तुम अपना स्टार्ट कर दो, ये राइट टाइम होता है उसको स्टार्ट करने का, जो मैंने सीखा अपने इस 5 साल में, मुझे काम करना तो आ गया था एक ही साल में, ठीक है, छोटी मोटे डिजाइन तो हम एक ही साल में कर लेते थे, लेकिन अब कोई दे काम तब तो, सही बात है। ठीक है, तो फिर मैंने दूसरे साथी सप्लाई को, हमारे पास, सप्लाई है हमारे पास, डिमांड है ही नहीं, तो हाँ कहाँ कहाँ सप्लाई करेंगे। यही, तो फिर मैंने ना कुछ दिन बाद अपने मार्केटिंग टीम से बैठ अपनी थोड़ी सी दोस्ती बढ़ाई, क्योंकि उनका मार्केटिंग टीम होती है बिल्डिंग टीम बोलते हैं उसको, बिजनेस डेवलपमेंट, मैंने उनसे थोड़ी सी दोस्ती बढ़ाई, थोड़े बहुत क्या बोलते हैं सैटरडे संडे घूमा उनके साथ, तो मैंने उनसे क्यों उनसे दोस्ती बढ़ाई, ठीक है, डेफिनेटली ये क्या बोलते हैं करना चाहिए, डेफिनेटली ऑफिस में अगर आप हो तो कुछ सीखना पड़ेगा ना, तो मैंने उनके साथ दोस्ती बढ़ाई, मैंने कहा यार तुम लोग प्रोजेक्ट कैसे लाते हो, और ये हमेशा हर एक ऑफिस करता है, तुम ध्यान देना अभी आगे जब काम करोगे या फिर हो सकता है नेक्स्ट कंपनी में देखोगे, मार्केटिंग टीम को टेक्निकल टीम को अलग रखा जाता है, वो तो रहता है सर, ठीक हमेशा है, अलग रहते हैं। क्योंकि अगर तुम मार्केटिंग हो और मैं टेक्निकल हूँ, हम दोनों मिल गए तो कंपनी बन गई, बिल्कुल ठीक, और मैंने यही चीज देखा कि यार ये इनका हमसे कोई टाई अप नहीं है, कोई हमारा इनसे डिस्कशन नहीं है, तुम्हें समझ में आ गया कि अगर हम दोनों मिल गए तो कंपनी बन रही है, तो मैंने कहा जी कि सर, हम दोनों का भरोसा नहीं करना है, बेटर ये होगा कि हम मार्केटिंग वाले से सीख ले, ठीक है, कि भाई उसको अगर टेक्निकल हमसे सीखना होगा तो हम सिखा देंगे, लेकिन हम मार्केटिंग बिल्कुल सीख ले, तो मैंने उससे बिजनेस डेवलपमेंट सीखा, लगभग 6 महीने तक हमने उससे काफ़ी कुछ सीखा, अभी वो मेरा दोस्त है, तो क्या बोलते हैं 6 महीने में उसने मुझे काफ़ी कुछ बता दिया, मैं कहा यार ये सब तो पता ही नहीं था, तो ये अपवर्क का पूरा गेम ना उसने समझाया, तो मेरा एक मानना बिल्कुल है कि तुम्हें लोगों से मीटअप करते रहना पड़ेगा, जैसे तुम आज मेरे से बात कर रहे हो, डेफिनेटली जैसे मार्केटिंग की ट्रिक आज तुम्हारे माइंड में चला गया कि ये सीखना पड़ेगा, है ना, बिल्कुल आज मैंने क्या बोलते हैं मेरा एक दोस्त है साइट इंजीनियर है वो, क्या बोलते हैं सापोजी पालनजी में, ठीक है, तो जी सर, उससे उससे मिला, ठीक है, वो प्रोजेक्ट मैनेजर क्या कंस्ट्रक्शन मैनेजर मैनेजमेंट का काम करता है वो, प्लानिंग जी इंजीनियर सर, है,
तो उसकी भी सैलरी अच्छी खासी है, 50+ है। तो उससे डिस्कस किया तो काफ़ी चीज़ें उससे पता चली। वो बोला कि यार पांडे में हम लोग को क्या होता है कि मेन हम लोग को ये नहीं दिखाया जाता कि काम करना कैसे है, लॉजिक पे पूरा का पूरा हमारा काम रहता है। हमसे इंटरव्यू में सिर्फ सोल्यूशन के बारे में बात करते हैं कि अगर ये प्रॉब्लम साइट पर हो गई तो सोल्यूशन कैसे दोगे। जी तो सर, उससे हमें पता चला कि प्लानिंग इंजीनियर को एग्जैक्टली किस चीज़ का प्रिपरेशन करना चाहिए। फिर मैंने एक लड़के से मिला, अपना स्टूडेंट है देव यानी करके, वो आया था फ्लैट पे, तो उससे बात किया तो उससे भी काफ़ी चीज़ें के बारे में पता चला, स्कैन टू बीम में और क्या कर सकते हैं नेक्स्ट। तो क्या हुआ, हमने बिल्कुल उससे मिला, उससे मिला, दो लोगों से मिलकर कुछ नया मिला ना, अब तुमसे मिले तुमसे भी डेफिनेटली कुछ ना कुछ नया मिला। तो ये कंबाइन बिल्कुल करके एक्सप्लोर होता है, तो 3 साल में ये जरूर करना। बिल्कुल सर। ठीक है, ये मेरा तुम्हारे लिए सजेशन है आगे जो करने के लिए है। तो मैं आज से ही वर्क स्टार्ट कर दूंगा इसको। हाँ, इस पे काम जरूर करना क्योंकि लोग फ्लॉप हो जाते हैं। तुमने देखा होगा बहुत से तुम्हारे दोस्त स्टार्ट किए होंगे, बैठ भी गए होंगे। नहीं, एक दो स्टार्ट किए हैं, वो स्टार्ट करने के बाद करें क्या, जब उनको आता ही नहीं है, सबसे बड़ी दिक्कत तो ये है हाँ, ना। अब वो आता नहीं है तो काम भी लोग नहीं देते। ठीक है, एक वही तो तो, अब आता एक बार आता रहेगा ना, कम से कम अपना नहीं कर पाएंगे, दाल रोटी का गुजारा तो हो जाएगा नौकरी करके, हाँ, तो आना चाहिए पहली बात आना तो। चाहिए, फिर और आने के उसके साथ अब बाद अब इस पे काम करना है लाना मार्केटिंग अगर पे। आ गया और आना आ गया मतलब कि काम कर भी लेते हैं। अब देखो, देखिए मैं मैक्सिमम मैं डिजाइन मैं नहीं करता हूँ। ठीक है, अभी जो भी मेरी कंपनी में डिजाइन आता है मैं नहीं करता हूँ। रीजन क्या होता है कि मैं करने बैठूंगा तो सारा काम कर ही नहीं पाऊंगा। ठीक है, क्लास भी देखना बात है, चैनल भी देखना है, उसके बाद लड़कों के बहुत ढेर सारे डाउट्स होते हैं, तुम तो जानते हो कितना मैसेज कॉल आता है, तो वो भी देखना होता है। अब इस बीच में अगर मैं एक प्रोजेक्ट को लेकर बैठ गया 25 दिन तक, जैसे तुमने बोला 25 दिन का प्रोजेक्ट था, तो फिर मेरा बिल्कुल, तो सब गड़बड़ हो जाएगा। ठीक और है, क्या। तो फिर मैं क्या करता हूँ, लेकिन अब मुझे जो मेरे साथ काम कर रहे हैं वो मुझे बेवकूफ़ नहीं बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि मैंने उस पर बहुत काम कर लिया है। सही बात है। अब थोड़ा सा भी बनाएंगे ना तो फिर दूसरा समय होगा कि गेट उनको दिखा देंगे, रास्ता निकल जाओ। ठीक है, तो ऑप्टिमाइज नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? जबरदस्ती 2% स्टील लग रहा है। ठीक है, हमें भी पता है कि 1% 1.5% स्टील पर तुम काम कर सकते हो। ठीक है, बिल्कुल तो सर, ये तब पता है जब हमें एसटी भी पता है, हमें मैनुअल भी पता बिल्कुल, है, एक्सेल भी पता है, तो बेवकूफ़ कैसे बनाओगे? लेकिन कहाँ से स्टार्टिंग में बताओगे। अपना काम करना के लिए मुझे लगता है कि क्या बोलते हैं, आज मैं प्लेटफॉर्म पे शेयर कर रहा हूँ कि मैं खुद की कंपनी में झाड़ू पोछा भी लगाया हूँ। ठीक है, क्यों? क्योंकि डेफिनेटली वहाँ पैसे इन्वेस्ट करना समझदारी नहीं है, पैसे को बचा के ग्रो करना इन्वेस्ट अपनी समझदारी हो सकती है। तो ये दो चीज़ सीख लो, तुम्हारा ग्रो आपको रहेगा। वो सबसे अच्छी बात है, आपने मतलब इतनी ऊंचाई में पहुंचे, आपने कभी काम को छोटा है बड़ा नहीं समझा, कभी सबको नहीं, इक्वली समझा। तो अगर बहुत से लोग होते हैं, बात ये झाड़ू पोछे वाली आई, तो कहते यार हम तो पढ़े लिखे हैं, बीटेक किए हैं या एमटेक किए हैं, हमारे हम थोड़े झाड़ू पोछा लगाएंगे, इसलिए हम आए हैं, हम जा रहे हैं अपने गाँव पे, इससे अच्छा है हमारा वहां कर लेंगे, ये है वो। तो ये चीजें बहुत पीछे भी ले जाती है लोगों को, और ये चीजें नहीं सोचनी चाहिए। एक्चुअली जिस कंपनी में हम अभी इससे पहले थे, वहां पे क्या है ना, वहां पे ड्राफ्ट में चिल्ला देते थे डिजाइनर से, तो वो थोड़ा बहुत मान लो, अरे वो एक्सपीरियंस वाले हैं, उनको 25-30 साल का एक्सपीरियंस है ड्राफ्ट में, उनको वो चिल्ला भी देता है भाई, मुझसे ज्यादा उसको आता है डिटेलिंग में, तब हाँ, वो चिल्ला देता है ना, मैं तो अभी शुरुआत किया हूँ, करेक्ट। तो वो सुन लेना चाहिए, उससे सीखने को मिलती है वो और चीजें। उससे हाँ सुनो कि उसने बोला कैसे, अगर उसने कुछ बोला तो उसको ठीक कर लो, नेक्स्ट टाइम बोलने का उसको बिल्कुल अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। बिल्कुल, मेरा भी यही रहता है, मतलब कोई अगर एक बार कोई गलती निकाल दिया तो मैं डायरी रखता हूँ, उसमें नोट कर लेता हूँ, मेरी दोबारा वो गलती रिपीट होनी नहीं चाहिए। और जब मैं फिर कोई भी दोबारा वो उसी टाइप का काम स्टार्ट करता हूँ, तो मैं देख लेता हूँ भाई मैंने उसमें कौन कौन सी गलतियां की थी, वो सबसे पहले मैं वही करता हूँ। एक स्ट्रक्चर था उसमें मैं सब कुछ कर दिया सर पूरा, मैं सेल्फ वेट लगाना भूल गया, और वो डिजाइन चली गई, जिसने चेक किया उसने भी नहीं देखा, डिजाइन भी चली गई। मैंने कहा यार ऐसे कैसे हो गया, फिर मैं नोट कर लिया पूरा, फिर मैं उनको बताया भी, मैंने कहा सर इसमें सेलिब्रेट छूट गया था, फिर उन खैर लगा के दोबारा भेजा, वो तो हो गया सॉर्ट आउट। लेकिन हमने सोचा यार इसके एक छोटी सी गलती के चक्कर में कम से कम 2-3 दिन ड्राफ्टमैन का गया और डिजाइन में गया 3-4 दिन, एक हफ्ता बर्बाद चला गया, हाँ, तो क्या मतलब है। मैं फिर डायरी पे नोट कर लिया, अब मैं कोई भी लोड लगाता हूँ ना, सबसे पहले मैं स्टेट एडिटर में जाके सेल्फ वेट ही लगा देता हूँ, गुड, उसके बाद मैं आगे काम बढ़ाता हूँ। बेस्ट, तो कंफ्यूजन ही नहीं है। गलती बिल्कुल एक बार किया, लर्निंग हमेशा के लिए हो गई। बिल्कुल सर, बहुत बढ़िया। नहीं तो इसी तरह मैं ये बोलूंगा कि ये चीज तुम सही कर लो, उसके बाद डेफिनेटली क्या बोलते हैं, अभी मैं भी जैसा बताया कि कुछ नया हम लोग भी कर रहे हैं, तो आगे फ्यूचर पता नहीं कहाँ किसी डेस्टिनी कैसी गई हुई है, डेफिनेटली सबका अच्छा ही जाएगा। बट
यही समझदारी है कि खुद को ग्रो करना सीखना पड़ेगा। और तुम तो काफी सेल्फ अवेयर हो क्योंकि तुम अभी जस्ट स्टार्ट किए करियर, इतना कुछ सोच रहे हो, ठीक है। कई लोगों को मैं देखा हूँ कि वो जैसे कि 20-25 हज़ार की जॉब अगर पा गए ना तो रिलैक्स मोड में चले जाते हैं, ठीक है। मेरे कई जैसे दोस्त हैं, ठीक है, अभी क्या बोलते हैं, एक दोस्त मुझे फोन करता कि भाई आईफोन ले लो, ऑफर चल रहा है उस पर, फ्लिपकार्ट पे कोई ऑफर चल रहा था ना, तो कोई आईफोन 13 90 हज़ार का मिल रहा था। तो मैंने कहा क्यों लेना है, ठीक है, मेरा काम हो जा रहा है, जिस दिन नहीं होगा। जिस दिन से मैंने ये चीज देखी, इस चीज पे मैं बहुत बिलीव करता हूँ। मतलब अब आप एक बनिए होते हैं ना, उनकी तरह आप सोचिए। बनिए को बनिए इसीलिए कहा गया क्योंकि वो कभी बिगड़ेगा ही नहीं, उसका जाति का नाम ही बनिए है, वो बनेगा ही भाई, बनिए वो बिगड़ेगा ही नहीं, कुछ करेक्ट भी तुम कर लो। करेक्ट तो ये चीजें हैं। अब क्या है, हम लोग क्या है, थोड़ा पैसा हो गया, गाड़ी खरीद लिए, फोन खरीद लिए। अरे भाई, गाड़ी तो जिस दिन शोरूम से बाहर आई ना, उसी दिन पैसा उसका कम हो गया। अब जब तक रहेगी उसका पैसा कम ही होना है आपका, तो वो चीज नहीं। इससे अच्छा अगर आप प्रॉपर्टी कोई खरीद के डाल देते, एक ग्रो हो साल में दो जाता गुना रेट मिलेगा आपको। है। और तो ये ये तुमको अगर शौक करना भी है, मान लो किसी का शौक है कि मुझे फाइटर जेट खरीदना है या फिर क्या हाँ, बोलते हैं अपनी खुद की प्राइवेट कुछ भी खरीदना है, तो तो कम से एक कम जी सर, लेवल तो आ कम से जाए। कम हाँ एक वो लेवल आ जाए, कम से कम हमारे पास इतनी प्रॉपर्टी हो जाए कि हम दो चार फाइटर जेट खरीद लें तब भी हमें कुछ हाँ, फर्क नहीं पड़ रहा है, मेरा तो वो इन्वेस्टमेंट लेवल का, आना चाहिए उसके मेरा एक लिए। इन्वेस्टमेंट का रूल है, तुमको बताता हूँ, किसी को भी नहीं बताया। तो मैं इन्वेस्टमेंट किसी भी चीज में तब करता हूँ जब मैं 3 टाइम्स उसको कर पाता हूँ, ठीक है। जब मुझे बिल्कुल लगता है कि मैं 3 ऐसे आराम से खरीद लूंगा अभी इसी मोमेंट पर, ईएमआई का तो छोड़ दो, मैंने कभी ईएमआई किया ही नहीं अपने लाइफ में, मैं भी नहीं एक प्रेफर बार बहुत करता पहले है। किया था, वो भी गलती थी। मेरा मोबाइल खराब हो गया था, मेरी सैलरी 12 हज़ार की, 15 हज़ार के आसपास थी, तो अफोर्डेबल नहीं था, क्योंकि अगर दे देता तो पीजी का रेंट नहीं हो पाता। तो बड़ी मजबूरी में एक ईएमआई किया हूँ अपने लाइफ में, उससे इतनी गलती, उससे इतना सीखा कि 4 महीने मेरा बैलेंस गड़बड़ हो गया था, और मोबाइल था केवल 7 हज़ार का, सैमसंग ऑनेट करके था, 7 या 8 हज़ार का था। तो मैंने सीखा यार, एक ईएमआई से मेरा 6 महीने का लगभग डिस्टर्ब हो गया, मेरे को लाइफ में लेना ही नहीं है ईएमआई। और आज तक का सही डे बात है है, कि मैंने कभी किसी चीज़ का ईएमआई नहीं लिया, हर चीज़ को कोशिश किया है कि टाइम से थोड़ा देर लूंगा, आज लेना है 1 साल बाद लूंगा, बट कैश बिल्कुल, लूंगा। और बट वो तीन लेवल आ बार, जाना चाहिए। हाँ 3 बार अभी तक मेरा रूल आया, अभी तक मैंने कोई भी चीज़ ऐसी नहीं खरीदी जिसको मैं 3 बार चुटकी में ना खरीद लूँ, 3 बार खरीद ले रहा हूँ। अब बिल्कुल टेंशन नहीं है ना, जैसे होता है कि तुम्हारे पास 1 करोड़ रुपए है तो तुम्हें 10 रुपए खर्च करने में कोई टेंशन है क्या? कोई मत, कोई दिक्कत कोई नहीं, टेंशन नहीं है, खर्च कर दो, गिर भी जाएंगे तब भी कोई दिक्कत ठीक। नहीं। अब तुम्हारे पास तो 20 रुपए ही है, अब तुम 100 रुपए जी उड़ाए सर, पड़े, 10 रुपए उड़ाए पड़े हो, ये गड़बड़ है, तो टेंशन है आगे का क्या होगा, आगे का क्या होगा। ये चीजें रहती तो हैं। ये तो चलो ठीक है अपने पॉडकास्ट, बट ये लोगों को भी सीखना चाहिए कि जी सर, किसी के कहने पर कोई चीज ईएमआई पर लेके बैठ जाना, जैसे कई तुमने बोले हो कि बाइक है या फिर लाइक मोबाइल फोन ही है या फिर कार है, जो भी चीजें हैं, जी सर, पार्ट में नहीं लेना है, लेना है तो कैश लेना है, टाइम से लेंगे, मतलब 2022 में नहीं हो रहा, 2023 में लेंगे, बट शेष के मिलेंगे। हाँ, लेकिन किसी पर बर्डन नहीं करेंगे। ये तो फाइनेंशियल टिप्स है, उसे आज तुम्हारे पॉडकास्ट से आई थिंक बहुत लोग सीखेंगे शुभम, कई चीजें सीख पाएंगे। और कई लोग बिल्कुल ना, तुमको बताता हूँ, कई लोग मुझे कमेंट किए कि सर शुभम सर को लेके आओ, तो क्या पता है कैसे लेके आए, कैसे बोले मुझे व्हाट्सएप पर बोले कई लोग। रीजन पता है क्या है, जी तुम्हारी सीवी, तुम्हारा पोर्टफोलियो देखे थे सब लोग, सर, बिल्कुल ठीक वही है। जाता है हर जगह, मुझे हाँ खुद मैसेज आते हैं बहुत। एक तो कोई लड़का था कि हाय आई एम सीइंग योर सीवी हाँ एंड आउट ऑफ क्यूरियोसिटी आई मैसेज यू। मैंने कहा भाई क्या मैसेज करूँ, आगे कुछ बोलो, बस वो इतना ही बोला। तो क्या बोलते हैं, मुझे अच्छा मतलब लगता अपन, है हम लोगों भाई। ने एक बार याद है क्या, 1 महीने पहले डिस्कस किया था कि हम लोग करेंगे ऐसा ना, 2 महीने पहले, जी सर, जी तो सर, अपने को टाइम नहीं मिल पा रहा था, अभी पॉडकास्ट सीरीज स्टार्ट हुआ, तो कल भी एक लड़के का मैसेज आया और एक दिन और आया था, तो सर वो शुभम सर को लेकर आइए जो स्ट्रक्चर्स की सीवी लेके आए थे, तो बड़ा मजा आएगा, कुछ नया सीखने को मिलेगा। हमने कहा ये भी सही बोल रहा है, एक्चुअली सही बोल रहा है वो, कि क्या बोलते हैं, जिसके सीवी पोर्टफोलियो से उसका खाना चल रहा है उसको भी तो पता होना चाहिए ना, ठीक है। तो ये एक अच्छी चीज़ है कि क्या बोलते हैं, हम कुछ ऐसा करें जिससे कि लोग भी उस चीज़ को लेके फॉलो करें, ठीक है। मैं तुमको बताता हूँ कि एक लड़की थी, उसका सीवी था, तो मैं उसकी सीवी को शेयर करता रहता था, तो कोई बार शायद बताया था थोड़ा सा, तो उसकी सीवी ही सबको मैं बता देता था, क्योंकि उसकी सीवी बेस्ट स्पोर्ट सीवी थी। तो उसकी सीवी बिल्कुल जाते जाते शेयर होते होते किसी कंपनी के एमडी के पास पहुंच गई सीवी, ठीक है। और उसके कंपनी के एमडी ने डायरेक्ट क्या, मोनालिसा का ऐसे कुछ, मोनिका समथिंग कुछ, मोनालिसा ऐसे कुछ, एम से था कुछ नाम, जी सर, उसके पास डायरेक्ट सीवी चली गई कंपनी के एमडी के पास, कंपनी ने एमडी ने कॉल किया कि आई गॉट योर सीवी। वो हैरान कि मतलब
कहाँ से, मैं बिना अप्लाई किए कैसे हो रहा है मेरे साथ। तो उसने मुझे फ़ोन किया, सर मुझे कोई फेक कॉल का आ रहा है क्या? तो मैंने देखा उसका मेल आईडी जिससे उसने भेजा था, मेल आईडी कंपनी की थी। मैंने बोला रियल है। तो ये भी देखने का बहुत अच्छा तरीका है कि कोई कंपनी का ऑफर लेटर या कुछ आया है तो कंपनी के, जैसे कि unixsivil.com है क्या, ठीक है, उनका जो मेल आईडी है वो रजिस्टर्ड है क्या? तो रजिस्टर्ड है मतलब डेफिनेटली वो लगभग लगभग जेन्युइन होने का चांस रहता है। तुम्हें कुछ फेक कॉल भी आए क्या बीच में कभी, ऐसे कि इतना पैसा दे दो जॉब लग जाएगी, ऐसे वाले भी आए क्या? नहीं, मुझे उस टाइप क्या है कि हम आपको ये कोर्स सिखाएंगे हाँ। और फिर 6 महीने बाद आपकी जॉब की गारंटी लेते हैं। हमने कहा भाई हम सीखे बैठे हैं, क्या सिखाओगे हमको, और सबसे बड़ी हम और बात तुमको ये है, सिखा देंगे। सबसे बड़ी बात ये है कि 6 महीने, ये चीज ना बहुत गलत होता है कि जैसे कि किसी ने बोला कि, कल मुझे एक लड़के ने बोला कि ऐसे तुम्हारे जैसे जैसे तुम्हारा आया ऐसे ही, सर क्या बोलते, इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज किया कि सर क्या बोलते हैं आप जॉब प्लेसमेंट भी प्रोवाइड करते हैं क्या 100%? मैंने बोला नहीं, मैं फेक काम नहीं कर पाता हूँ। तो उसने लिखा कि सर तब तो ऐसे बहुत ढेर सारे इंस्टीट्यूट हैं और वो तो 100% प्लेसमेंट कराते हैं। तो मैंने, क्योंकि मेरे पास टाइम कम रहता, मैंने लिखा गो फॉर दैट। कुछ दिन बाद खुद ही समझ आएगा कि हम गलत जगह पहुंच गए। नहीं, तो ये पॉइंट मैं ये और मतलब एक बात ये और ऐड करना चाहूंगा कि आपको इन चक्करों में पढ़ना नहीं है, आपको नॉलेज के पीछे स्टार्टिंग में पढ़ो। जॉब तो यार ऑटोमेटिक मिल जाएगी। इतनी सर मैं बता रहा हूँ, स्ट्रक्चर में इतनी ज्यादा ओपनिंग रहती हैं और हर कंपनी में हमेशा 2 से 3 ओपनिंग रहती ही मिलती रहती हैं, है। लेकिन उस लायक उनको कोई कैंडिडेट नहीं मिलता। हाँ मेरी कंपनी है जो पहले वाली कंपनी, वो अभी भी मुझसे मतलब आज भी उन्होंने बोला कि हाँ कोई अच्छा डिजाइनर हो वो दे दो। अब सोचो कि तो वो अब उसके, अभी एक लड़के को तुमने दिया भी, अपना स्टूडेंट है बिलाल, हाँ तुमने बिलाल को हाँ दिया बिलाल भी, को उसके बाद जी भी अभी सर, उसको कम पड़ रहे हैं। उसके बाद भी कम पड़ रहे हैं क्योंकि जिस लेवल का उन्हें चाहिए उस लेवल का वो कह रहे आप आ जाओ। हमने कहा हाँ देखो मैम, हम टावर का हमें देखो करना नहीं है, बिल्डिंग का सीख ले, वो आगे देखा जाएगा। बिल्डिंग का अगर आप करेंगे तो हम आ जाएंगे। एक्चुअली में ओपनिंग से ज्यादा अच्छे कैंडिडेट की रिक्वायरमेंट है, अच्छे कैंडिडेट नहीं है बिल्कुल। मार्केट में। और उन्होंने मतलब मुझे बहुत बहुत ज्यादा पैसा भी ऑफर किया, बोले हाँ हम आपको जितना पैसा चाहिए वो हम हाँ दे देंगे, मतलब आ जाओ एक बार। हमने कहा देखो हम पैसे के लिए काम ही नहीं कर रहे अभी, हम नॉलेज के लिए काम कर रहे हैं। फिर उन्होंने एक्सेप्ट भी किया हाँ कि नहीं, जिस लेवल का तुम्हें नॉलेज चाहिए उस लेवल का नहीं मिल पा रहा है हमारी कंपनी में। फिर उन्होंने कहा नहीं, अगर तुम्हारा मन है तो जाओ, और मतलब रोका नहीं। बहुत अच्छे लोग हैं वो, हाँ ऐसे बहुत कुछ ही हेल्प लोग की होते उन्होंने हैं, हमारी अदरवाइज हर जी कोई सर। अपना मतलब निकालना चाहता है शुभम इंडस्ट्री के हाँ, बाकी अंदर। बहुत इंडस्ट्री में बहुत हैं कि आपको मतलब यूज कर लेंगे फिर हम तुमको नहीं जानते, ये हाँ वाले हैं। बट उनको मैं एकदम डीप में जाके परख लिया हूँ, ऐसा हाँ कुछ है नहीं तो वही मतलब कि देखो कि कौन अपने स्वार्थ के लिए कर रहा है। देखो जी कैसा सर। होता है कि कई लोग ना सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए ही यूज करते हैं, जब उनको लगता है कि मेरा यूज हो चुका है थ्रो कर देते हैं, ठीक जी है, तो सर वो बहुत अच्छे से पहचाना। और दूसरी चीज मैं ये बोलूंगा कि जो भी तुम्हारे प्लान्स हैं फ्यूचर के, ठीक है, वो अभी करंट कंपनी या फिर जो भी कंपनी ज्वाइन करना उसमें एक्सपोज नहीं होनी चाहिए, जैसे वो कि तो कहीं नहीं एक्सपोज होगा जी सर, ये हाँ सबसे बड़ी बेवकूफी होती है ना। हाँ फिर क्या होता है, जो चीज आपको वो 6 महीने में सिखाने वाले हैं वो 2 साल में भी नहीं सिखाएंगे आपको। हाँ आपको छोटे छोटे काम देते रहेंगे, बस उसी फंसे रहो। सैलरी भी ऐसा नहीं, सैलरी रोक लेंगे, सैलरी भी इंक्रीज करेंगे, आपको सब कुछ मिलेगा, बस उस लेवल काम का नहीं सीख। नॉलेज नहीं मिलेगा आपको। हाँ तो ये चीजें मुझे हैं। एक लड़के ने मैसेज किया कल या परसों, बात कर रहा था शायद, वो फोन पे बात कर रहा था कि सर मेरे कंपनी में मैं एज ए स्ट्रक्चर इंजीनियर लगा हूँ लेकिन जी मुझे सर 6 महीने से ऑटोकैड पर ड्राफ्टिंग करवा रहे हैं। तो फिर मैंने उसको यही चलो बोला, मैंने कहा कि तुम्हारे ऊपर भाई उसको ट्रस्ट ही नहीं है कि इसको स्टैट का बिल्कुल काम सिखाया तो टिकेगा कि नहीं टिकेगा, ठीक है, अगर मैंने काम सिखा दिया स्टैट का, तुम हो फ्रेशर, तुम तो निकल गए, ठीक है, फिर मेरा क्या होगा? सही तो बात है मैंने जी। बोला पहले उनका ट्रस्ट जीतना पड़ेगा तुम्हें, और प्लस जिस काम को दिए हैं उसको अप टू द मार्क कर दो। बिल्कुल जब हम ऑटोकैड ही अच्छा नहीं कर रहे तो तुमको स्टैट प्रो पे क्यों शिफ्ट करेगा कोई? बिल्कुल, ट्रस्ट जीतने का सबसे अच्छा यही तरीका है। अगर मतलब वो जितना एक्सपेक्ट करता है उससे कहीं बहुत ज्यादा आप उसको दे दो। हाँ ये तो बहुत अच्छी जैसे चीज मैं है। उस कंपनी में गया था तो सबसे मैं बिल्डिंग मतलब आपसे जो भी सीखा था उतने मुझे आ रहा था बिल्डिंग, कोई मैंने फील्ड में काम तो किया नहीं था। मुझे सबसे पहला प्रोजेक्ट उनने G+22 का ही पकड़ा दिया, और उन्होंने ये सोचा कि ये बस मॉडलिंग मॉडलिंग इसको आती होगी, मॉडलिंग करके दे देगा। उन्होंने कहा कितने दिन में मॉडलिंग कर दोगे? हमने कहा सर कम से कम 3 दिन तो लगेंगे हमको। तो पहले हमने कहा सर हमें नहीं पता कितने दिन में हो जाएगी, अभी तो मैं बना ही रहा हूँ। तो बोले क्लाइंट को बताना भी होता है कितने दिन में कर दोगे, तो हमने कहा सर मिनिमम 3 दिन लगेंगे, और मैं 2 दिन में कर दिया वो।
मॉडलिंग गुड पूरी मेरी कंप्लीट हुई। मॉडलिंग करने के बाद फिर उन्होंने लोडिंग के लिए हमसे बोला नहीं, 1-2 दिन वो छुट्टी पे चले गए, तो उसके बाद मैं लोडिंग वगैरह भी लगा दिया, पूरा डायनेमिक भी लगा दिया, धीरे धीरे मैं करता गया, उनको दिखाता गया, सर देखिए सही हो रहा है, सही हो रहा है, सही हो रहा है। तो जो प्रोजेक्ट कंप्लीट हो, कह रहे यार तुमने तो यार पूरा प्रोजेक्ट कर लिया, तुम्हें सिखाया भी नहीं हमने। हमने कहा सर अब थोड़ा बहुत आता था, बाकी थोड़ा बहुत पूछते गए, हो गया ऐसे ही। तो वही बात है, उनको केवल मुझसे एक्सपेक्टेशन यही थी कि केवल ये फ्रेमिंग ड्रॉ करके हमें दे दे देगा, देगा बाकी हम अपने सीनियर से सीनियर करवाएंगे। से करवा लेंगे। लेकिन लेकिन वो पूरा मैंने ही कर दिया, और उसमें मुझे इतना सीखने को मिला, मतलब एक तो मेरा पूरा IS 87 वो 1893 1893 क्लियर हो गया, क्लियर हो डक्टाइल गया, डिटेलिंग क्लियर हो पूरा गया क्लियर हो होगा। गया। डक्टाइल डिटेलिंग, डिटेलिंग तो खैर उन्होंने हमसे नहीं कराई, अच्छा डिटेलिंग में डिटेलिंग अभी मेरा थोड़ा वीक पॉइंट है, हाँ डिटेलिंग पे अब मुझे वर्क करना है। बट एनालिसिस और डिजाइन एकदम मैं 100% क्लियर हो चुका हूँ, बहुत किसी बढ़िया भी टाइप का हो मैं कर लूंगा। बहुत बढ़िया। तुम्हारा ये बहुत अच्छी चीज़ है एक्चुअली। ये बहुत तुमने जो बोला ना, जितना हम ले रहे हैं उससे कई ज़्यादा, ठीक है। जी सर, मतलब कि मैं खुद भी, मतलब कि अगर मैं टीचिंग की बात करूँ ना, तो मैं जो फी लेता हूँ तुम तो जानते ही हो, इतना कम फी होता है। लेकिन बिल्कुल कंटेंट उस पर, उसका 5 टाइम्स भी फीस कर दोगे तो भी उसके इक्विवेलेंट ना पहुँचे। अरे 5 टाइम्स क्या सर, 50 टाइम्स कर देंगे तब भी नहीं पहुंचेगा, क्योंकि उसमें इतना ज्यादा कंटेंट है ना। और मैं बताता रहता हूँ बहुत लोगों को, मैंने भी बहुत लोगों को ज्वाइन कराया, और ये पिछली कंपनी में जिसमें मैं काम कर रहा था वहां लोगों को टेकला नहीं आता था। एक्चुअली उन्होंने वो यूज कर लिया था, टेकला का क्रैक वर्जन यूज कर लिया था, इंटरनेट कंपनी का ऑन था, तो अब वहां से मेल आ गया, या तो वो फाइन भरते या उनको फिर टेकला परचेज करते। तो उन्होंने 12-13 लाख रुपए का टेकला परचेज किया, टेकला स्ट्रक्चर डिटेलिंग का, और परचेज तो कर लिया, अब किसी को आता नहीं है। तो वो सिखवाने के लिए एक लड़का आता था कोई, वो दूसरी जगह काम करता था, वो सिखाने आता था, वो भी एक्स्ट्रा पैसे लेता। मैंने कहा भाई क्यों चक्कर पड़े हो, सर का कोर्स खरीद लो, 1500-2000 में टेकला सीख जाओगे पूरा। लेकिन उन्हें बात यही है ना कि उन्हें उस चीज पे विश्वास ही नहीं होता कि 1500 रुपए ले रहा है बंदा, क्या ही सिखाएगा। ये चीज है, आदमी अंदर उतर के देखता नहीं है। पर आज के जमाने में ये बहुत बड़ी दिक्कत है कि आदमी पैसे से जज कर लेता जज है, करता है। पैसे से नहीं कभी जज करना चाहिए, उसकी क्वालिटी से जज करो भाई, उसके अंदर जाओ देखो तो क्या है क्या कंटेंट। है उसके अंदर, सही बात है। ऐसे मुझे भी कई लोग मैसेज करते हैं, सर इतनी कम फी, तो फिर मैंने बोला भाई ज्यादा दे दे अगर तुम्हारे पास है तो ज्यादा दे अब दे। मैं ये बताऊं, जो मेरे साथ के लड़के सीखने गए थे स्टैड और ऑटोकैड वगैरह, उनका खुद मैंने मतलब वो इतना भी नहीं सीख पाए कि वो अपना एमटेक का प्रोजेक्ट करके सबमिट कर पाए। मैंने उनका प्रोजेक्ट करके सबमिट किया एमटेक का, अब समझ सकते हैं। मैंने मैंने फी कम रखने का अगर बात करूँ ना, तो मैं अगर बताऊँ तो मैं जब ऑटोकैड सीख लिया तो मेरे सारे जी दोस्त सर, चले गए ऑटोकैड सीखने का। उस समय पे मैंने 5000 रुपये दिया था, तुम लोगों ने भी दिया होगा जहाँ तक है, कुछ ऐसे अगर सीखा होगा तो। मैंने मैंने बीटेक सेकेंड ईयर में एक कोर्स ज्वाइन किया था, ऑटोडेस्क नाम से एक है, उसमें ज्वाइन किया था, 12,000 रुपये मेरी फीस लगी थी। उन्होंने मुझे ऑटोकैड, स्टेड प्रो और एक कोई एस्टिमेशन का कोई सॉफ्टवेयर आता है, हाँ इतना बोला था क्वांटिटी सिखाने टेक के लिए। ऑफ, हाँ अब ये पता नहीं सर, कोई एस्टिमेशन का था, नाम नहीं पता है। तो उसके बाद मैं ऑटोकैड की पूरी क्लास किया, उसके बाद मैं थक जाता था इतना, तो मन नहीं हुआ। ऑटोकैड भी उन्होंने जो सिखाया वो बस ऐसे ही सिखाया, क्या लाइन कमांड होती है, क्या होता वही है, लाइन सर्कल वाली। बाकी बाकी किसी ना ही क्या होता है सेंटर लाइन, क्या एक्सरेफ कमांड होती है, क्या कितने टाइप के पॉलीगन होते हैं, कितने टाइप की लाइन होती है, लाइन पॉली लाइन में अंतर क्या है, ये कुछ बताया ही नहीं। नॉर्मल कमांड होता के छोड़ दिया, वो एक हफ्ते बाद सब माइंड से निकल गया। और मैं सही बताऊं तो मैंने आज तक उसका सर्टिफिकेट भी नहीं लिया, मैंने जबकि मैंने सर्टिफिकेट के लिए ही वो ज्वाइन किया था। मैंने सोचा सर्टिफिकेट मिल जाएगा, आगे प्लेसमेंट वगैरह में कुछ आराम होगी। बट देखेंगे ये भी मैं डाउट क्लियर कर देना चाह रहा हूँ सबका, कि ये सर्टिफिकेट के लिए कभी ना भागना, सबसे बड़ी बेवकूफी ये है। सबसे बड़ी मैंने मैंने आपसे सीखा पूरा ऑल इन वन वगैरह, मेंशन करता हूँ ऑल इन वन सीखा, सब कुछ सीखा, बट मैंने आज तक आपसे सर्टिफिकेट नहीं लिया। नहीं भाई मांगा। मैं क्यों सर्टिफिकेट लूँ, मैं तुम नेट अपना खोलो सिस्टम, मैं करके दिखा देता हूँ, खत्म। आपको उतनी मतलब है ना, आपका काम होना चाहिए, मैं काम करके दे रहा हूँ, सही बस बात है। मैं क्यों सर्टिफिकेट ले अच्छा घूमूंगा। जिसके पास सर्टिफिकेट होता है कंपनी उसी पर डाउट करती है, ये भी ध्यान दो ये भी है सर, लेकिन ये उसी भी पर है, डाउट मैंने करती है आज तक कि कोई सर्टिफिकेट नहीं लिया। सर्टिफिकेट है मेरे पास, सर्टिफिकेट हाँ अच्छे वाले हैं, अच्छे लेवल के। मैं IIT में गया था, जब स्पेस साइंस लिया था IIT खड़गपुर में,
वहां मैंने वाटर बोटिक्स में पार्टिसिपेट किया था, वहां का विनर था मैं आईटी खड़गपुर में। तो तो ऑलरेडी तुम्हारे पास उसके बाद, सर्टिफिकेट है। हाँ तो वो ऑलरेडी सर्टिफिकेट है। फिर इसके बाद आईआईटी दिल्ली में मैं गया, वहां पे डिजाइन में सब पार्टिसिपेट किया, वो सर्टिफिकेट है। तो जो अच्छे सर्टिफिकेट है वो मेंशन करो ना, मैं तो एक्स्ट्रा करिकुलर में ये वही तो सीधी मेंशन सीधी करता बात है हूँ। कि तुम्हें नॉलेज तो है ना चीजों का, जी सर, नॉलेज तो है तुम्हारे पास चीजों का। तो मैं ये बात कंप्लीट करना चाहूंगा। मैं कैसे कि जैसे कि हम लोग के जो मतलब कि मैंने 5,000 रुपये दे के ऑटो कट तो सीख लिया, अब मेरे जी सारे सर, दोस्त सीखने चले गए रेविट, अब मेरा बजट ही नहीं अलाउ करे रेविट सीखने के लिए, क्योंकि उस समय रेविट का फीस, क्योंकि तब तो ये सब नहीं था ना यूट्यूब वगैरह, तो 8,000 उसकी फीस थी। मैं अब घर पे बात किया, मैं तो लाइक लोअर मिडिल क्लास जो होती है वहां से आता हूँ, तो मेरे घर वाले बोले यार 5,000 तो अरेंज कर दिया तुम्हारे लिए, अब ये 8,000 कहाँ से अरेंज करूँ। तो मैंने ना उस दर्द को, उस पेन को झेला हुआ है कि मैं 8,000 नहीं झेल पाया, ठीक है, मेरा 8,000 नहीं हो पाया, ठीक है। फीस मैंने स्कॉलरशिप के पैसे से भरी हुई है बीटेक की, तो मैं ये भी नहीं बोलूंगा कि मैंने पैसे खर्च किए, सिर्फ ऑटोकैड का पैसे खर्च किया हुआ है, और 1 साल स्कॉलरशिप नहीं आई थी गवर्नमेंट की, तो उसको हमने अफोर्ड किया हुआ है। बाकी सब कुछ मैंने स्कॉलरशिप के पैसे से अरेंज कर दिया, और थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा काम कर लेता था पार्ट टाइम, मतलब मुझे ना फिजिक्स का अच्छा नॉलेज है, तो फिजिक्स को पढ़ा देता था, 100-200 रुपये घंटे मिल जाता था कोचिंग वगैरह में, जैसे तुम लोग जानते हो। तो मतलब कुल मिला के मैंने उस दर्द को झेला कि अब मेरे को 8,000 रुपये नहीं हो पाए थे। मेरे दोस्तों ने, मेरे एक दोस्त आयुष करके और उनके दोस्त थे, उन्होंने रेबिट सीखा, उन्होंने स्टैट सीखा, मैं इस पेन में रहता था कि यार कैसे मैं सीखूँ, कैसे मैं सीखूँ। तो मैं बताता हूँ कि एक दिन हमारे कॉलेज में कोई नहीं था, लैब में तो वाईफाई फ्री था, और हमें इतनी अवेयरनेस नहीं थी कि डाउनलोड कैसे करते हैं, बट एक लड़के ने बताया कि डाउनलोड करने के लिए ऐसे एक सॉफ्टवेयर दिया, बोला ऐसे करोगे ऑटो रेविट इसके स्टैट प्रो के ट्यूटोरियल डाउनलोड हो जाएंगे। आईआईटी का जी एक ट्यूटोरियल था, लगभग 2 घंटे का था, बस वही डाउनलोड किया, उसी से स्टैट प्रो सीखा 2 घंटे में, केवल सीखा था। और 2 घंटे में सीख के फिर अपने दोस्तों से बोला तूने क्या सीखा तुम बताओ। वो 8,000 भले दे रहे थे लेकिन उनको कुछ आ नहीं रहा कुछ भी, ये था सच है सर, रियलिटी यही है आज के जमाने की। तो कुछ नहीं आ रहा था उसको। मैंने बोला यार तू दे क्यों रहा है फिर 8,000 रुपए, ठीक है, सही दो बात घंटे है, में मैंने ही काफी कुछ सीख लिया है। तो फिर वहां से मैंने सीखा, तो मेरे को ऐसा लगा कि यार अगर मैं फीस बहुत ज्यादा रख दिया ना, तो वो तबका जो जिस तबके अब मेरे फेस से आता है लोअर मिडिल क्लास, वो नहीं अफोर्ड कर पाएगा। अगर सही 40-50 हज़ार रुपये फीस कर दूँ ना, तो वो नहीं अफोर्ड कर पाएगा। वो डेफिनेटली उसके लिए कैसा होता है कि कॉलेज की फीस भी अरेंज करना एक बड़ा टास्क होता है मिडिल क्लास में, देखते होगे किसी ने अपने बात मामा से पैसे लिए हैं किसी ने, मैं तो ऐसे ही करके पढ़ा हूँ, मैं तो जॉब करने के लिए निकला था, तो फिर मेरे पास जाने के लिए पैसे नहीं थे, तो मेरे है। मामा मैं आर्मी अपना में। बताऊं अगर ना, तो मैंने भी एजुकेशन लोन लिया है, हाँ अभी मुझ पे लगभग 6 लाख रुपए का लोन है बताओ, एजुकेशन लोन। अब तुम सोचो कि अगर तो तुमको अगर कोई एजुकेशन दे कि भाई 3 लाख रुपए लेके एजुकेशन तुम्हें कोई, या 1.5 लाख रुपए दे के तुमको कोई पढ़ाएगा, तो तुम्हारे लिए बर्डन हो जाएगा ना 1.5 लाख रुपए। बिल्कुल, लेकिन वो मैं मतलब इस टाइप का माइंडसेट किया हूँ, मैं सोच लिया हूँ कि भाई जब मुझे वो नॉलेज हो जाएगा, 3 लाख तो मैं एक दिन में निकाल लूंगा जब हाँ उस लेवल का नॉलेज हो जाएगा, करेक्ट, बहुत बढ़िया। तो तो वही कि हम ये लोग, चीज है। कि हम लोग उस तबके से आते हैं जहां पर इस चीज का बहुत बड़ा, देखो तुमने लोन लिया ना, ठीक है, और हमने लोन नहीं लिया लेकिन हमने कैसे कि हमने अरेंज करके जो स्कॉलरशिप का पैसा आया, ठीक है, अपने हाथ, अगर तुमको पता हो तो AKTU में जनरल के लिए भी स्कॉलरशिप है, ठीक है, हाँ मेरा तो भाई वैसे वैसे कर रहा है, हाँ उसमें क्या है, एक फीवेबल सीट होती है हर हाँ कॉलेज में, पांच लगभग हजार दो से रुपया तीन दे सीट के होती है। करना पड़ता है, हाँ, 2-3 सीट होती हैं, तो पांच वो पांच सीट जिस होती है। 5 सीट होती है, हाँ हाँ वो एक्चुअली मुझे पता नहीं करेक्ट कितनी होती, तो उसको फीवेबल सीट मिली हुई है, तो उसकी फीस वगैरह लगभग 8-10 हज़ार जो भी वो पहले क्या तो होता पांच है, हजार था, एग्जाम आपका मुझे नहीं पता है। एग्जाम फीस, एग्जाम फीस वगैरह जो भी है वही लगता है और कुछ नहीं हाँ लगता। बस 5,000 उसका लगता है, पहले का मुझे पता है, आपका नहीं पता है। तो वही बोल रहा हूँ कि मतलब कि हमने टारगेट किया कि यार जो लोग एकदम से, क्योंकि देखो अमीरों के लिए बहुत सी चीजें अवेलेबल है मार्केट में, ठीक है, जी लेकिन उस सर, तबके के लिए जो तबका तरस रहा है कि यार मैं स्टैट कैसे सीखूं। मैं ऑटोकैड, मेरे सीखना एक वो था, मैंने बहुत जुगाड़ उगाड़ करके तो ऑटोकैड को अरेंज किया, तो इसलिए मैंने सोचा कि यार इतना कम रखेंगे कि हर कोई सीखने के लिए एबिलिटी रहेगा। दिक्कत वैसे ये है कि अपने सिविल में, मतलब सिविल का लिमिटेशन बहुत है, मतलब कैसे कि सिविल में बच्चे कम है, तो मैं तो जी चाहता हूँ कि सर, और भी इंडस्ट्रीज में ऐसा हो जाए, ऐसा सोल्यूशन निकल के आ जाए, तो बहुत से लोगों का ना प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, कम फी में अच्छी चीज़ें अगर उनको मिल जाती है, ठीक है। होप सो आगे कुछ बड़ा करेंगे इसको रिलेटेड, तो आई थिंक स्टॉप करना चाहिए, क्योंकि इतना देर तक लोगों का पेशेंस नहीं होगा, ठीक है, तो यस क्योंकि सर, लोग मतलब आज के टाइम में ना लोगों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही हो चुका है शुभम, की जब से रील्स की पेशेंस दुनिया आई, नहीं। टिकटॉक की दुनिया आई, वो वॉच ही नहीं करते, ठीक है। मैं एक दिन विवेक बिंद्रा का बड़ा अच्छा सेशन चल रहा था, अगर तुमने लास्ट संडे को था, विवेक बिंद्रा को तुम शायद ना जानते हो, मोटिवेशनल स्पीकर है जानता वो, हूँ सर, ठीक है, जानता हूँ सर। तो उनका
3 घंटे का वीडियो था, 3 घंटे का सेशन सर। था, तीन या हाँ दो हाँ घंटे का था। तो मैं प्रॉपर बैठ के अपना नोट्स बना रहा था, तो क्या बोलते हैं, मेरा एक दोस्त है तो हंसने लगा, वो बोला भाई 1.5 घंटे हो गए तुम एक ही वीडियो पर लगे हो, ठीक है। तो मैंने पूरी लिस्ट भरी हुई थी इधर, डायरी रखी हुई है, तो मैं जब बैठता हूँ ना, जैसे मैं लिखता हूँ, मैं इधर लिखता रहता हूँ कुछ भी मुझे ऐसा लगा कि ये टिपिकल है, ये पढ़ना चाहिए। तो मैं कई पॉइंट्स बड़े अच्छे अच्छे से लिखा उनके वीडियो में, बहुत अच्छे अच्छे वीडियो होते उनके। तो वो हंसने लगा, वो बोला भाई इतने में तो हम लोग हजारों वीडियो देख लेते हैं। हमने कहा इसीलिए तो प्रॉब्लम है कि तो वही तो फिर हमें तुम्हें अंतर क्या है भाई, मैंने वही तो अंतर है, तो इसीलिए तुम हो हम है। बोला कि ये पेशेंस रखना पड़ेगा कि 1.5 घंटे या 2 घंटे, मैं पूरा देखा, 2 घंटे पूरा देखा, ऐसे चेयर पे बैठ के देखा। मैं रील्स को मैं बहुत कम, जैसे किसी ने भेज दिया, आजकल क्या दिक्कत होता है, इतना मैसेज आता है कोई रील भेज देगा ऐसे करके, तो लगता है ना क्या है देख ले। तो वो गलती जब कर दिया तो भले गया टाइम। उसके अलावा मैं सबको सजेशन दूंगा, तुमको भी दूंगा और ऑलरेडी जो लोग देख रहे हैं, कि रील्स से बचो, ठीक है। रील्स और एक दो चीजें मैं और मतलब जनरल चीजें हाँ ऐड करना बताओ। चाहूंगा कि सबसे बड़ी दिक्कत होती है इस एज ग्रुप में कि लड़की वाली वो हाँ आपको आपको मतलब इतना डिप्रेस कर देगा, इतना तबाह कर देगा कि आप खत्म हो जाएंगे, आप उसकी जान ही नहीं रिक्वायरमेंट। पाएंगे भाई आपकी सुपर पावर क्या है। सबसे बड़ी चीज मैं ये ऐड करना चाहूंगा कि एक तो जहां तक रह सको ना कि प्योर वेजिटेरियन रहो, ठीक है। उससे क्या है, ये जो नॉनवेज वगैरह होती है सब तामसिक भोजन होती है, ठीक है। तो इनसे सबसे मतलब बहुत ज्यादा वो हमारा, वैचारिक तत्व तो बदल जाते हैं, वैचारिक माइंडसेट जो हाँ होता वो है थोड़ा चीज सा, मतलब राक्षसी गुण आने लगते ठीक हैं है, ऐसा हम नहीं एक्चुअली बोलेंगे इस वीडियो में, नहीं तो आपको। लोग कंट्रोवर्सी क्रिएट कर देंगे। बट हाँ यस शॉर्ट सर, में अगर बोला जाए बट तो ये जरूर तुमने सही बात ऐड तो किया हुआ है उससे कि क्या है, आपका डाइजेशन वगैरह भी सही रहेगा हाँ और माइंड तभी अच्छा काम करेगा जब आपका शरीर फिट होगा, हाँ सही से काम करेगा। करेक्ट। और बाकी प्रोटीन वगैरह लेने के लिए वेज में भी बहुत अच्छी अच्छी चीजें हैं, ऐसा नहीं है कि वेज में नहीं है, मेन बात करते हैं कि क्योंकि लड़की पे जो मेन फोकस है हाँ कि मेन वो मेन अच्छा फोकस वो है कि उस चक्कर में ना पड़ो। आजकल के जितनी भी है मतलब सब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाले चक्कर में पड़े हाँ हो, मेरे भी जो दोस्त है मैं कहता हूँ भाई क्यों चक्कर में पड़े हो यार, इतना अपने को डेवलप कर लो ना कि लाइन लग जाएगी भाई, उस पोजिशन पे पहुंचो। तो सही बात है। अब वो कोई पहुंचना नहीं चाहता, शुरुआत में इधर उधर पड़े रहते हैं, वो टाइम बर्बाद हो जाता है, और यही गोल्डन टाइम होता है, गोल्डन टाइम इसको होता जो है। यूटिलाइज कर लिया वो बन गया, जो नहीं यूटिलाइज कर पाया वो नहीं बन पाया। अब मैं बता रहा हूँ, मेरा भाई था तो हम लोग मतलब साथ में तैयारी करने गए थे कोटा में, और मैं पढ़ने में बहुत अच्छा नहीं था, मतलब बहुत ही एवरेज से भी बिलो एवरेज था। तो और वो पढ़ने में बहुत अच्छा था, उसको कोटा में मतलब हर 21 दिन पर टेस्ट होता था एलएन में, तो वहां पे बैच शफलिंग होती थी, तो मेरा चलता रहता था, कहीं एक बैच ऊपर कहीं एक बैच नीचे कहीं एक बैच ऊपर। और उसका क्या था, वो एक होता है स्पेशल रैंकर्स ग्रुप एसआरजी में, उसमें पहुंच गया था टेस्ट देते देते, उसका अच्छा परफॉर्मेंस था। तो उसके बाद बाकी उसका मतलब सब कह रहे थे आपको एनआईटी तो मिल जाएगा, ये है वो है, लेकिन उसका कुछ परफॉर्मेंस अच्छा नहीं हुआ, लेकिन उसको केएनआईटी सुल्तानपुर मिला था। उसके बाद में मैं बीटेक करने के मूड में नहीं था सर, बिल्कुल नहीं था, क्योंकि मुझे मतलब अच्छा नहीं लगता था ये सब। तो फिर सबने कहा नहीं कर लो कर लो कर लो, उसके बाद मैं गया बीटेक में। मेरा मतलब स्टार्टिंग से ही मेरे एक टीचर थे 9th में, उन्होंने ये बोला था कि कभी लड़की वाली में ना पढ़ना, कुछ भी करना जिंदगी में कुछ भी कर लेना, लड़की वाली में बिल्कुल ना पढ़ा, नहीं तो बर्बाद हो जाओगे। उसके बाद मेरा ये रहा कि पूरे बीटेक में मेरे क्लास में लगभग 12-14 लड़कियां होंगी, मैं मैक्सिमम केवल पूरे बीटेक में 2 से 4 बार सबसे हायर हो गई होगी, बस मैं काम से काम रखता था। उसके बाद और फिर मैं आईआईटी से वो विनर आया था जीत के, उसके बाद मुझे बनाया गया, हेड बना दिया गया, जो भी टेक्निकल टेस्ट होते हैं सारे उसका एग्जीक्यूटिव कोऑर्डिनेटर बना दिया गया। तो भाई उस लेवल तक तो पहुंचो लड़की ऑटोमेटिक आ जाएंगी ना। फिर उसके बाद सब सब सर 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 सब पीछे पड़े, जूनियर सीनियर सब भाई, तो ये लेवल मेंटेन करना पड़ता है, यही है बस और कुछ नहीं। मतलब सेल्फ कंट्रोल कैसे कर सकते हो, उसके लिए अच्छे अच्छे बहुत सारे यूट्यूब चैनल हैं, और जितना भी रह सको मतलब आप जो भी आपका धर्म है हाँ अध्यात्म को फॉलो करो, अध्यात्म को फॉलो करते हुए आगे बढ़ो, और उस बस लड़की वाली ना पढ़ना, ये मैं मतलब बार बार मैं 10 बार बोल चुका हूँ ये बात, और एक बार फिर बोले दे रहा हूँ, लड़की वाली बिल्कुल ना पढ़ना, नहीं तो जिंदगी मतलब झंड हो कोई भरोसा नहीं, जाएगी। कोई भरोसा नहीं जिंदगी का। बहुत लोग करते कहते हैं कि हर सक्सेस के पीछे लड़की का हाथ होता है,
बट मेरे साथ तो ऐसा हुआ ना, मैं नहीं मानता, बिल्कुल नहीं मानता, 1% भी मैं सहमत नहीं हूँ इससे। जो भी जिसका होगा वो अपना जानता है, मैं नहीं मानता। मुझे लगता है मैं कि मानता हूँ बस मेडिटेशन करो, डेली अपना योगा करो, डेली की दिनचर्या अपनी फिक्स रखो, फिक्स बस रखो दिमाग बस। इधर उधर जाएगा ही नहीं, अपने को बिजी रखो, कोई मतलब ही नहीं। और सबसे अच्छा तरीका पता है क्या होता है कि लोग ना अपना गोल्डन एज इसमें चले जाता है लोगों का, ठीक है। हाँ अभी मैं बस देखता वही हूँ खराब हो जाता कि जब गोल्डन एज इसमें चला गया ना, तो डेफिनेटली तुम्हारा मेन टाइम तो चला गया। और है। एक्चुअली देखा जाए तो अगर इसी मेन टाइम, क्योंकि ये मेन टाइम में पावर बहुत होता है, मैं ये मानता हूँ कि 30 तक की एज में इतना पावर होता है, इतना पावर होता है कि वॉट एवर यू वॉन्ट यू कैन अचीव। ये पावर है बिल्कुल इस 30 की एज में। आगे के एज में मैं देखता हूँ लोग उतना ज्यादा क्या बोलते हैं, एक्टिव नहीं रहते जितना इस एज में रहते हैं। तो मुझे लगता है ये बिल्कुल गोल्डन एज को क्यों खत्म करना, ठीक है। बिल्कुल। और मतलब ऐसा मैंने कहीं पढ़ा था या सुना था कि अपना जो ह्यूमन माइंड होता है वो 25 साल तक ही डेवलप होता है, हाँ 25 साल तक मतलब पूर्ण विकसित हो उसके जाता बाद है मेच्योर हो जाता है ना। उसकी। हाँ तो अब भाई 25 साल तक, अब उसका भी जैसे बॉडी का खाना है वैसे दिमाग का खाना है, उसको सही खाना खिलाओगे सही आउटपुट सही मिलेगा, आउटपुट गंदी मिलेगा, गंदी चीजें खिलाओगे गंदा आउटपुट मिलेगा। तो अब आप पे है, आपको सही बनना है या गलत बनना है। करेक्ट। तो ने बहुत अच्छा मैसेज दिया इनको, शायद ये समझ पाए, ठीक है। डेफिनेटली इसमें दिक्कत ये होती है कि जब तक कोई खुद नहीं चलते उनको, मतलब वो सुनते नहीं है, लेकिन वही होता है कि जब खुद जलोगे तब तो बहुत देर बहुत हो जाएगी। जी सर। और माइंड को सबसे अच्छा अगर पढ़ना हो तो सबसे अच्छी एक बुक है द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, वो सुन लेना, उसका ऑडियो कहीं मेरी से। फेवरेट बुक है। आजकल तो बहुत सारे चैनल आ गए हैं पढ़ने को, हाँ तो मैं नहीं बोलूंगा क्योंकि मैं खुद नहीं पढ़ता हूँ, मैं हाँ सुनता हूँ ऑडियो। बहुत सारी बुक है ऐसे, रिच वो थिंक ग्रो एंड रिच ऐसे करके एक बुक है, और साइकोलॉजी ऑफ मनी है, रिच डैड पुअर डैड है, ऐसी बुक है। ये सब पढ़ने से मतलब बहुत ज्यादा मोटिवेशन एक्सप्लोर मिलता है, प्लस रियल लाइफ का पता लगता है भाई हम किसके बने हैं, क्यों हमें हमें मतलब ह्यूमन टाइप में हमें जन्म मिला है। ऐसे तो हमें कुछ भी घोड़ा गधा बना दिया जाता, अब जब ह्यूमन बने हैं इंसान बने तो हैं तो कुछ उस अच्छा लायक कर काम लिया, कर लें कि आगे आने वाली पीढ़ी याद करें हमको। करेक्ट है। और इसमें मतलब कि ये चीज जो है ना, मैं खुद भी बताऊं तो मेरा पहला बुक है पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। यहां बहुत से अच्छी बुक है मैंने वो। बुक्स पढ़ना स्टार्ट किया, मैंने पढ़ी थी, मैंने पॉडकास्ट नहीं देखा था, ठीक है। मैंने पढ़ी थी पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, वहां से मुझे इंटरेस्ट आया, फिर मैंने थिंक एंड ग्रो एंड ऑल। अभी मेरी हैबिट ये है कि डेफिनेटली बिजी शेड्यूल होता है तो मैं एक क्या बोलते हैं, सब्सक्रिप्शन ले रखा हूँ, तो मैं ईयरफोन लगाता हूँ क्योंकि सुबह मुझे वॉक करना होता है आधा घंटा। तो मुझे लगता है ये बिल्कुल सबसे बेस्ट टाइम है, ठीक है। वॉक भी होता रहता है और एक बुक खत्म हो जाती है, ठीक बिल्कुल। है। एक नहीं हुआ तो आधा हो गया, आधा कल हो जाएगा, जनरली 2 दिन और में तो क्या हो ही जाता है। तो मेरा वो आधा घंटा में मुझे इतना खाना मिल जाता है कि दिन भर एक्टिवेट रहते हैं। तो आई जी थिंक ये भी एक सर। तरीका हो सकता है कि अगर किसी को फॉलो करना है तो, है ना। चलो शुभम, होप तुमको मजा आया होगा, कुछ बिल्कुल नया सर शेयर करने में और कुछ नया सीखने में भी मजा आया होगा ना, बिल्कुल ठीक है। सर तो इसी के साथ हम लोग को पॉडकास्ट आई थिंक समाप्त करना चाहिए। अगर लोग चाहेंगे कि शुभम तिवारी से कुछ और सीखना है, ठीक है, तो कमेंट करके भाई बताना। वैसे यहाँ तक कोई कमेंट तक पहुँच नहीं पाएगा, मुझे गारंटी है, ठीक है। इस रील्स की दुनिया में 1.5 घंटा वॉच करना मतलब अपने आप में एक बहुत बड़ी बात हो जाती है, ठीक है। और जी मुझे पता नहीं कैसे, मुझे एक्चुअली लोग बोलते हैं कि रील्स बहुत ज़्यादा व्यूज़ देते रहे, तो मैं ना थोड़ा इसको सपोर्ट कम करता हूँ, सही बताऊँ तो। लेकिन शायद मुझे खुद भी रील बनाना पड़ेगा, ठीक है। रीज़न ये है कि लोग रील्स को ज़्यादा फॉलो कर रहे हैं एज़ कम्पेयर टू सर लॉन्गर वीडियोज़, ठीक है। तो ये अगर व्यवसायिक पॉइंट से देखा जाएगा तो ये अच्छा है, लेकिन आपके हित के पॉइंट से बहुत गलत है ये। बहुत गलत है, बिल्कुल गलत है, क्योंकि आपको मतलब उसके पीछे का माजरा ही नहीं समझ में आ रहा है भाई क्या है, तो क्या है वो, बस दिखावटी है जो भी है। दिखावटी है। अभी लोग बोलते हैं कि सर सेस्मिक डिजाइन के बारे में यूट्यूब पे बताओ, ठीक है। अब सेस्मिक डिजाइन एक ऐसा टॉपिक है कि 1 घंटा तो लगता है ना। बिल्कुल चलो मैंने 1 घंटा मेहनत कर दिया, लेकिन जब वीडियो का एवरेज ड्यूरेशन देखा कि 2 मिनट है, तो तो क्या अपने को मतलब है। गिल्टी नहीं महसूस होगी कि बिल्कुल सर यार मैंने निचोड़ निकाला, बैठ के फोकस होके 1 घंटा 1.5 घंटा अपना लगाया और इसने 2 मिनट देख के खराब कर दिया। तो फिर ऐसा लगता है कि नहीं यार, ये ऐसे नहीं हो सकता। इतने बड़े टॉपिक्स को यूट्यूब पे एक्सप्लेन करना मतलब अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना, क्योंकि कोई भी इतना पेशेंस रख ही नहीं पा रहा है। और ये अपने इंडिया का आने वाले समय में दुर्भाग्य है, मुझे लगता है कि हमारा पेशेंस बिल्कुल। लेवल खत्म होता चला जा रहा है। और मतलब पेशेंस लेवल को बढ़ाने के लिए सबसे अच्छा तरीका है
पुराने जो भी अपने मेडिटेशन वगैरह होते थे बेस्ट वो आपको करना पड़ेगा। अगर आपको मतलब कुछ अच्छा बनना है, कुछ अच्छा जिंदगी में करना है, तो करेक्ट वो चीज आपको करनी पड़ेगी। बेस्ट और मतलब सबसे इजी तरीका है वो। बाकी तो बहुत सारे अब लोग दवाएं वगैरह आ गई हैं लेते करेक्ट, हैं, लेकिन उनका वो अगर सब कोई भी मुझे नहीं दवा है मानता, तो वो उसका मेडिटेशन एक मैं बेस्ट भी नहीं मेथड्स है। मानता वो भी, लेकिन ये बेस्ट है। इसमें आप हेल्दी भी रहेंगे और माइंड सबसे अच्छी चीज है, माइंड डाइवर्ट नहीं होता है। हाँ और एकदम जैसे कोई भी कुछ पूछता है ना, तुरंत माइंड वहीं पे क्लिक करता है, पहले इधर तो उधर की कितना चीजें नहीं करता तेज दिमाग। लर्न कर लेते थे चीजों को, ठीक है। अभी मैं बताऊं तो मेरी माता जी केवल 5वीं तक पढ़ी हुई है, तो एक दिन क्या हुआ कि एक जगह मंदिर में हम लोग गए थे, तो वहां गाना बज रहा था। वो पूरा गाना गाना जैसे सो अपने यहाँ होता है ना, सोहर वोहर होता है ना, तो मेरी माता शादी जी वादी ने में सिर्फ करते एक हैं। बार सुना और उनको अक्षर सा याद हो गया, ठीक है। अक्षर सा मतलब वो तब वो मोबाइल भी यूज नहीं करती थी, मतलब बिना मोबाइल के, डेफिनेटली अपने घर बहुत से लोग रहते हैं तो बिना मोबाइल के रहते थे। घर पे आई तो पूरा का पूरा हमें सुनाई कि ये वहां पर गाना बज रहा था। मैं हैरान हो गया कि इतना मतलब इतना शार्प पॉइंट कैसे हो सकता है किसी का। तो मुझे अभी रियलाइज होता है कि वो एक्चुअली इसलिए था कि उनका माइंड पूरी तरीके से ओपन था चीजों को लेके। ये रील्स की बिल्कुल दुनिया से कोई मतलब, रील्स तो छोड़ो, यूट्यूब के वीडियो तक नहीं थे माइंड में, ठीक है। और हम लोग तो गांव से हैं, तो वहां पर ये टीवी के जो नाटक हैं ढेर सारे बॉलीवुड वाले जो भी जो हैं, ये भी माइंड में नहीं था। तो पूरा माइंड खाली और नई चीजें ग्रास्प, तो जो तुम नई मुझे नई भी ये चीजें पढ़ने बोल मतलब रहे हो। मूवी वगैरह मुझे मतलब बस सब बेकार की चीजें लगती हैं, कोई मतलब है नहीं। मैं बहुत बहुत कम मूवी देखता हूँ। अगर मुझसे कोई पूछे आज तक कितनी देखी, तो मुझे नहीं लग रहा मैंने पूरी जिंदगी में 20 से ज्यादा मूवी देखी होगी। अप्रोक्स इतना ही मैंने भी देखा होगा। मैं इन चीजों बिलीव नहीं करता भाई। पर्दे के पीछे दुनिया का क्या मतलब है, कुछ भी दिखा दे रहे हैं, कोई सही मतलब थोड़ी ना है। और इसका जो ये रील्स वाली दुनिया है, इसमें एक पॉइंट मैं और बताना चाह रहा हूँ कि जो भी है मतलब, एक तो हम अपने माइंड को उतना डेवलप नहीं कर रहे हैं कि वो उतना एब्जॉर्ब कर पाए, जितना हम लोड दे रहे हैं उतना ले पाए, ठीक है। और फिर दूसरी बात, हम छोटी छोटी रील्स देख रहे हैं, लगभग हमें लग रहा है 1 घंटे में आदमी 100 तो देख लेता होगा रील्स, अगर मान लिया जाए मतलब 30 सेकंड का भी एक मान लिया हाँ जाए, तभी तभी बहुत हो गए, 100 से ऊपर हो गए। तो 100 अगर देख लिया, अब तुमने भाई 100 अलग अलग बातें तुम्हारे माइंड में गई हैं, और तुम्हारे माइंड में उतनी लोड लेने की क्षमता है नहीं, तो फ्रस्ट्रेशन तो हो गई होगा, ऊपर से चला ऑब्वियस सी जाता बात है। तो फिर बाकी बाद में फ्रस्ट्रेशन आता है, फिर दिमाग घूम जाता है, यार इतना टाइम बर्बाद कर दिया, क्या हुआ, कुछ नहीं, हम तो डिप्रेस हो गए, ये हो गया, वो हो गया। तो ये चीजें वो तभी आएंगी जब एकदम मतलब सिंपल सादा जीवन उच्च विचार वाला कॉन्सेप्ट फॉलो करेक्ट करोगे। ऐसा। और पता क्या होता है, लोग कैमरे के सामने की दुनिया देखते हैं, ठीक है, कैमरे के पीछे का तो दिखता नहीं है, ठीक है। वही तो दिक्कत है सर रात के जमाने की। तो अब लोग क्या करते हैं, लोग ना फ्रस्ट्रेशन में आ जाते हैं। फ्रस्ट्रेशन में कैसे, यार उसके पास ये है, उसके पास ये है, उसके पास ये है, ठीक है। मान लो कि भी मेरे पास एक अच्छी बाइक है, ठीक है। अब मैं उस बाइक को लेके अगर मान लो यूट्यूब पे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है फिलहाल तो, लेकिन मान लो मैं बाइक को लेके यूट्यूब पे बहुत ढेर सारे प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ, ठीक है। अब आपने मेरे बाइक के पीछे का हार्डवर्क नहीं देखा, सही बात है, ठीक है, बस बाइक आपने देखी आपने। आपने तो सिर्फ बाइक देखा और इनकी लाइफ बड़ी अच्छी है। कैसे अच्छी है, आपको कैसे पता कि उस इंसान ने कितनी मेहनत किया होगा। अब उसने मैं कभी झाड़ू पोछा भी लगाया है, वो नहीं उसको दिखता है। अगर तुम किसी की क्या बोलते हैं, कोई बंदा बैठा हुआ है एक इनोवा के अंदर, तुमने ये इमेजिन कर लिया कि यार क्या मस्त, इसके पास तो इनोवा है, फॉर्चुनर है, जो भी चीजें हैं मेरिटेलिस्टिक, तो तुम उससे ये मत जज करो कि क्या बोलते हैं ऐसा हमारे पास भी होना चाहिए। ये जज करो कि इसके पीछे इसने हार्डवर्क कितना किया होगा, बिल्कुल ठीक है। सर, और ये किसी को हम रोक तो सकते नहीं कि भाई तुम प्रेजेंटेशन मत करो, सामने शो ऑफ मत करो, है ना। बेटर ये है कि हम समझ जाए कि ये शो ऑफ है, ठीक है। समझना अब चाहिए वैसे धीरे धीरे। अभी ये बातें जो मतलब मैं कह रहा हूँ, जो मैंने बातें की, जैसे योगा वाला हो गया, लड़कीवादी वाली हो गई, ये अभी नहीं समझ में आएंगी, और ये आगे मतलब जब आप 30 या 35 क्रॉस करोगे ना, तब ये समझ में आएंगी कि काश हम ऐसा कर नहीं लॉस कर होते। दिया तो और वो चीज, अब जिंदगी एक ऐसी चीज है जो दोबारा लौट के नहीं आती है, करेक्ट, एक बार जो चल रहा है वो चल रहा है। सही बात है। तो यही चीजें लोग अगर थोड़ा सा देख लें, अगर समझ लें, तो डेफिनेटली अब बोलेंगे कि सारे लोग और शुभम भाई बहुत नॉलेज दिए पड़े हैं, ठीक है। क्योंकि अभी लोगों का पच पच भी नहीं पाता ना, जैसे अभी डाइजेशन खराब हो गया है, ताकि अच्छी चीज नहीं पचा पाते, अच्छे अच्छे कंटेंट भी नहीं पचा पाते हैं, ठीक है। यहीं बिल्कुल पर अभी क्या नाम है उसका, नूरा क्या नाम है ना जो डांस करती है,
उसका होता है, तो उसके स्टेटमेंट उनको ज्यादा अच्छे लगते हैं, या फिर उसका डांस, नूरा नूरा नाम है ना हीरोइन का, वो जो डांस करती है। तो मतलब कुल मिला के वैसे कंटेंट को पचाना बड़ा आसान हो गया है, ये कंटेंट पचाना आ रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं ये लोग, लेकिन एक्चुअली में शायद यही कंटेंट आपका भला कर सकते हैं, ये फिक्स है। और तुमको होप अच्छा लगा होगा सेशन करके। डेफिनेटली जैसे मैं चाहूंगा बिल्कुल कि जो यहाँ तक पेशेंस रखे वो लोग भी कमेंट करके बताएं कि हाँ कुछ सीखने को मिला कि नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन हम लोगों ने किया वैसे आज, है कि नहीं सुन? जी सर। नहीं, अगर देखेंगे तो बहुत बहुत कुछ सीखने को मिलेगा उनको। मतलब एक तो जिंदगी जीने का तरीका पता चल जाएगा, कैसे हम आगे अपना, अगर कोई भी हम डिसाइड किए हैं कोई भी पाथ, वो कैसे फॉलो करें वो मिलेगा, और भी मतलब बहुत चीजें हैं हम लोगों ने डिस्कस कर ली आज। सही बात है। चलो फिर कभी ऐसे हम लोग फिर से प्लान करेंगे, जैसा लोगों का बिल्कुल रिस्पांस सर, रहेगा, अगर ऐसा कुछ रहा तो विल डिस्कस अगेन, क्योंकि ये तो जिंदगी है, मुलाकात होती रहेगी जब तक बिल्कुल रहेंगे ना। बिल्कुल बिल्कुल चलो ठीक है शुभम, थैंक यू सो मच, एंड तुमने टाइम दिया, प्लस तुमको भी बहुत मजा आया होगा बहुत हा? मजा आया सर, चलो ठीक है, फिर हम लोग बिल्कुल इसको जैसे अपलोड होगा उसके हिसाब से फिर आगे हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है? जी सर। चलो ठीक है, गुड नाइट। थैंक यू सर, गुड नाइट। Thank you.